जी हाँ नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर प्यारे साथियों कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी क्या आपको विदित है क्या आपको याद है प्यारे साथियों कि हमने कहा था कि आज आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाले हैं क्या आप जानते हैं प्यारे साथियों हमने कहा था आज कर्मचय और संचय पढ़ाने वाले हैं हमने आपको कहा था प्यारे साथियों याद कीजिए जरा हमने आपको कहा था कि एक आपके पास चार अंगूठिया हैं और चार अंगूठियों को चार उंगलियों में पहनना है तो चार अंगूठियों को चार उंगलियों में कितने तरीके से पहन सकते हैं क्या आपको याद है ये क्वेश्चन हमने जो आपको कहा था प्यारे साथियों क्या आपको याद है ये सब क्वेश्चन जी हां गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सभी को प्यारे साथियों आ जाइए जल्दी से सभी फिर शुरुआत करते हैं कर्मचय और संचय की प्यारे साथियों जो कर्मचय और संचय का चैप्टर है इस चैप्टर के बिना आप प्रोबेबिलिटी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे बिना कर्मचय और संचय के प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का चैप्टर आप सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे आज हम आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इतनी क्लियरिटी इस चैप्टर में करवाएंगे तो आप अलग ही महसूस करेंगे प्यारे साथियों तो आ जाइए जल्दी से सभी और वीडियो को जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों चलते हैं जरा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जरा कॉन्सेप्ट की तरफ प्यारे साथियों सुनिए जरा ध्यान से सुनिए जरा ध्यान से आपके पास मान लीजिए दो पैंट है आपके पास मान लीजिए दो पैंट है और तीन शर्ट है कितनी है तीन शर्ट है प्यारे साथियों आपके पास दो पैंट है और तीन शर्ट है कितनी है आपके पास दो पैंट है और तीन शर्ट है आपको एक जोड़ी कपड़े सेलेक्ट करने हैं एक जोड़ी कपड़े एक जोड़ी कपड़े बताइए आप कितने तरीके से पहन सकते हैं एक जोड़ी कपड़े आप कितने तरीके से पहन सकते हैं बताइएगा जरा बताइएगा जरा प्यारे साथियों बताइए प्यारे साथियों आपके पास दो पैंट है और तीन शर्ट है बताइए एक जोड़ी कपड़े आप कितने तरीके से पहन सकते हैं प्यारे साथियों हम बताते हैं जरा सुनिए सुनिए जरा ध्यान से हम बताते हैं सारी चीज आज आपको ऐसा ये चैप्टर क्लियर करवाएंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे सुनिए जरा ध्यान से दो पैंट का मतलब है मान लीजिए आपके पास दो पैंट है एक पैंट का नाम P1 है और दूसरी पैंट का नाम है P2 मान लो आपके पास दो पैंट है एक पैंट का नाम P1 है और दूसरी पैंट का नाम है पीटू अब शर्ट की बात करते हैं प्यारे साथियों मान लीजिए आपके पास तीन शर्ट है एस वन एस टू और एस थ्री ठीक है आपके पास दो पैंट है पी वन पी टू तीन शर्ट है एस वन एस टू एस थ्री अब देखते हैं कैसे कैसे आप पहन सकते हैं हो सकता है आप पी वन पैंट के साथ में एस वन शर्ट लगाए हो सकता है पी वन पेंट की साथ में एस टू शर्ट लगाए भाई आपको एक पैंट पहननी है और एक शर्ट पहननी है आपको एक पैंट पहननी है और एक शर्ट पहननी है हो सकता है आप ये वाला कलेक्शन ले हो सकता है ये वाला और हो सकता है आप ये वाला ले प्यारे साथियों ठीक है अब नोट करते रहे ना हो सकता है पी टू पैंट के साथ में आप एस वन शर्ट पहनेट पहने हो सकता है एस थ्री शर्ट पहने तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों गुड इवनिंग किरण वर्मा जी प्यारे साथियों यदि आप ध्यान से देखेंगे यदि आप ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों तो यहां से कितने तरीके निकलते हैं यहां से तीन तरीके निकलते हैं और यहां से कितने तरीके निकलते हैं यहां से भी तीन तरीके निकल सकते हैं यानी कि प्यारे साथियों मैं ये कह सकता हूं प्यारे साथियों के पी वन पैंट के साथ में एस वन शर्ट पी वन पैंट के साथ में एस टू शर्ट पी वन पैंट के साथ में एस थ्री शर्ट तीन तरीके यहां से निकले और तीन तरीके यहां से निकले टोटल तरीके कितने हुए टोटल वेज कितने हुए प्यारे साथियों टोटल वेज हुए टोटल छे तरीके सुनिए जरा ध्यान से सुनिए जरा ध्यान से सुनिए जरा ध्यान से प्यारे साथियों दिमाग लगाइएगा सुनिए आपके पास कुल मिलाकर छब्बीस इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं छब्बीस इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं आपके पास कुल मिलाकर सुनिए ध्यान से मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे प्यारे साथियों व्यंजन जिन्हें बोलते हैं कितने व्यंजन होते हैं इक्कीस व्यंजन होते हैं और प्यारे साथियों वोवेल्स कितने होते हैं वोवेल बताइए जल्दी से वोवेल्स होते हैं पांच कितने होते हैं पांच अब मेरा सवाल आपसे यह है प्यारे साथियों अब मेरा सवाल यह है इक्कीस आपके पास कॉन्सोनेंट है और वोविल है आपके पास पांच मेरा सवाल प्यारे साथियों आपसे ये है कि आपको एक वोविल लेना है एक कॉन्सोनेंट लेना है बताइए कितने तरीके हैं आपको एक वोविल लेना है प्यारे साथियों एक कॉन्सोनेंट लेना है बताइए प्यारे साथियों साथ कितने तरीके हैं आपके पास एक वोविल और एक कॉन्सोनेंट को छाटने के जल्दी से बताइएगा आपके पास एक वोविल और एक कॉन्सोनेंट को छाटने के कितने तरीके हैं प्यारे साथियों आपको एक वोविल भी लेना है और एक कॉन्सोनेंट भी लेना है तो आपके पास टोटल तरीके होंगे एक सौ पांच कितने तरीके एक सौ पांच तरीके इन दोनों की गुणा करनी है इक्कीस की और पांच की गुणा करनी है एक सौ पांच आ गया प्यारे साथियों कितना आ गया एक सौ पांच समझ रहे हो सुनो आप जरा ध्यान से सुनो प्यारे साथियों आप जरा ध्यान से सुनिए नोट करने वाला पॉइंट क्या आप सवाल करने वाले हैं हम प्यारे साथियों गणना के दो सिद्धांत होते हैं एक होता है जोड़ का सिद्धांत एक होता है गुणा का सिद्धांत यदि मान लीजिए हम हमारे पास दो कार्य हैं एम और एन तरीके से हम उन्हें कर सकते हैं मान लीजिए पहला कार्य पहला कार्य हम एन तरीके से कर सकते हैं और दूसरा कार्य और दूसरा कार्य हम एन तरीके से कर सकते हैं मान लीजिए पहला कार्य हम एम तरीके से कर सकते हैं और दूसरा कार्य हम एन तरीके से कर सकते हैं ध्यान से सुनना यदि एक कार्य हम एम तरीके से कर सकते हैं और दूसरा कार्य हम एन तरीके से कर सकते हैं तो दोनों कार्य एक साथ दोनों कार्य दोनों कार्य एक साथ दोनों कार्य एक साथ दोनों कार्य एक साथ, कार्य एक साथ प्यारे साथियों गुणा एन तरीके से कर सकते हैं कितने तरीके से एम गुणा एन तरीके से कर सकते हैं फिर सुनिए ध्यान से यदि एक कार्य को हम एम तरीके से कर सकते हैं और दूसरे कार्य को हम एन तरीके से कर सकते हैं और दोनों कार्य हमें एक साथ करने हैं तो प्यारे साथियों उसे करने के एम गुणा एन तरीके होंगे सुनिए जरा ध्यान से मैं कैसे कह रहा हूं चलिए जरा एक बार मैंने आपको बताया था आपके पास दो पैंट है और तीन शर्ट है आपको एक जोड़ी पैंट एक पैंट लेनी है और एक शर्ट लेनी है तो ध्यान दीजिए पैंट लेने के कितने तरीके हुए दो तरीके और शर्ट लेने के कितने तरीके हुए तीन तरीके अब आपको लेनी भी दोनों चीज है पैंट भी आपको लेनी है और शर्ट भी लेनी है तो दो तरीके इसके हुए और तीन तरीके इसके इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी गुणा इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी गुणा यही तो करके बताया मैंने यदि एक कार्य एम तरीके से और दूसरा कार्य एन तरीके से हो सकता है तो दोनों कार्य एक साथ एम गुणा एन तरीके से होंगे तो दोनों कार्य एक साथ कितने तरीके से होंगे प्यारे साथियों एम गुणा एन तरीके से होंगे समझ में आ रहा है सुनो 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 सुने, मेरी सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आपके पास चार बैट हैं आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आपके पास चार बैट हैं कितने बैट हैं चार बैट हैं और आपके पास केवल दो बोल है कितनी बोल है केवल दो बोल है अब जरा ध्यान से सुनना आप जरा ध्यान से सुनना प्यारे साथियों आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आपके पास चार बैट हैं और दो बोल हैं कितनी बोल है दो बोल है आपके पास चार बैट है प्यारे साथियों और दो बोल है और आपको क्रिकेट खेलना है आपको एक बैट और एक गेंद की जरूरत पड़ेगी आपको पता ही है तो उस एक एक बैट और गेंद का सिलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हैं बताइए जरा तो आप कहेंगे जी मान लीजिए मेरे पास चार बैट हैं B1, B2, B3, B4 और मान लीजिए मेरे पास दो बोल है दो बोल है। बी ए लिख देता हूं बोल को जिससे पता लग जाए दो बोल है मेरे पास ये वाली पहले वाली और ये दूसरे वाली ठीक है यह स्मॉल बी से दिखा दो भैया ये स्मॉल बी से दिखा रहा हूं मैं बोल को ये स्मॉल बी से दिखा रहा हूं मेरे पास चार बैट हैं और दो बोल हैं अब मुझे एक जोड़ी मतलब एक बैट लेना है एक बोल लेनी है तो मेरे पास कुल कितने तरीके होंगे मुझे एक बैट लेना है प्यारे साथियों एक बोल लेनी है तो उन्हें लेने के मेरे पास कितने तरीके होंगे प्यारे साथियों ध्यान ध्यान से ध्यान से सुनिए सुनिए हो हो सकता है मैंने बैट बैट लिया और के साथ में बी वन बोल ली हो स्मॉल बी वन हो सकता है बी टू बोल ली हो ठीक है समझ में आ रहा है तुम्हारे अरे समझ रहे हो ये बात भाई मुझे एक बैट चाहिए और एक बोल चाहिए यही तो चाहिए एक बैट चाहिए और एक बोल चाहिए हो सकता है इसके साथ में ये वाला बोल लिया हो सकता है ये वाला लिया हो सकता है ये वाला लिया हो, हो सकता है ये वाला लिया हो 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 सकता 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 है ये वाली हो सकता है 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 वाली 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 बोल बोल ली ली कुल कितने तरीके भाई एक तरीका यहां से आया दो तरीके तीन तरीके चार तरीके पांच तरीके छह तरीके सात और आठ कितने तरीके हुए आठ तरीके से तो ले सकते हैं यदि हमें एक बल्ला और एक गेंद लेनी है तो हम आठ तरीके से तो ले सकते हैं टोटल 80 तो वेज होंगे हमारे पास में भाई एक तरीका यहां ऐसे करते करते हमने टोटल तो कितने गिन तरीके से हम ये कर सकते हैं। समझ में आ गया प्यारे साथियों समझ में आ गया अब आप एक बात देखिए इसे लेने के बैट लेने के कितने तरीके थे चार तरीके थे भाई चार बल्ले थे तो बैट लेने के तो चार तरीके थे ना मेरे पास बोल लेने के कितने तरीके थे दो तरीके थे बोल लेने के कितने तरीके थे दो तरीके थे बैट लेने के चार तरीके थे और बोल लेने के दो तरीके थे और मैंने कहा दोनों को लेना है एक बैट लेना है एक बोल लेनी है तो कितने तरीके होंगे भैया चार गुणा दो टोटल कितने तरीके होंगे चार गुणा दो मतलब आठ तरीके टोटल कितने तरीके होंगे प्यारे साथियों आठ तरीके क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं प्यारे साथियों क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं प्यारे साथियों बताइए जल्दी से क्या ये वाली बात आपकी समझ में आ रही है प्यारे साथियों बताइए जल्दी से क्या ये वाली बात आपकी समझ में आई प्यारे साथियों हाँ जल्दी होगा बस पढ़ते रहिए आप क्या ये वाली बात समझ में आई चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं सभी बच्चों से एक सवाल पूछता हूं ध्यान से बताना ध्यान से बताना आपके पास चार हेट है चार हैट है मान लीजिए ऐसा चार हैट है चलो कुछ और ले लो भैया मान लो आपके पास चार कैट है और फाइव डॉग्स हैं, फाइव डॉग्स हैं ध्यान से सुनना अब, आप? आपके पास चार कैट है ठीक है ऐसे लगाते होंगे इसमें चार कैट्स हैं और फाइव डॉग्स हैं चार बिल्लियां हैं और पांच कुत्ते हैं बताइए अब ध्यान से, एक कैट एक कैट व एक डॉग, एक डॉग, लेने के कितने तरीके होंगे लेने के कितने तरीके होंगे कितने तरीके होंगे बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए सभी बच्चे इसका जवाब एक कैट और एक डॉग लेने के कितने तरीके होंगे देखते हैं कौन बच्चा बताता है जल्दी से बताइए एक कैट व एक डॉग लेने के कितने तरीके होंगे बिल्कुल सही बीस क्या करना भैया इस, इसे सेलेक्ट करने के मेरे पास चार तरीके और इसे सेलेक्ट करने के मेरे पास पांच तरीके हैं इसे सेलेक्ट करने के चार तरीके और इसे पांच तरीके तो टोटल दोनों को एक साथ लेना तो बीस तरीके कितने तरीके हुए बीस तरीके तो जिन जिन बच्चों का उत्तर बीस आ रहा है उनका जवाब सही आ रहा है तो जिन जिन बच्चों का उत्तर बीस आ रहा प्यारे साथियों उनका उत्तर एकदम सही आ रहा है अगला सवाल पूछते हैं तैयार है आप सब है? पूछ रहे हैं अगला सवाल बताइएगा जरा बताइएगा जरा अगला सवाल पूछ रहे हैं सभी से 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 एक 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 बिल्ली बिल्ली अब ध्यान ध्यान सुनना सुनना जरा ध्यान से सुनना? एक बिल्ली. या कुत्ता एक कुत्ता एक लेने के कितने तरीके लेने के कितने तरीके कितने तरीके बताइए जल्दी से कौन बच्चा बता रहा है एक बिल्ली या एक कुत्ता लेने के कितने तरीके चलिए बताइए जल्दी से एक बिल्ली या एक कुत्ता लेने के कितने तरीके एक बिल्ली या एक कुत्ता लेने के कितने तरीके प्यारे साथियों दोनों चीजों में अंतर है पहले सवाल में मैं आपसे कह रहा था एक कुत्ता व एक बिल्ली लेने के दोनों को लेना है कुत्ते को भी लेना है बिल्ली को भी लेकिन दूसरा सवाल क्या है या तो आप बिल्ली ले लो या फिर कुत्ता ही ले लो या तो बिल्ली ले लो या फिर कुत्ता ही ले लो तो कितने तरीके तो कितने तरीके ये सवाल है अब बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए सुनिए जरा ध्यान से सुनिए हम बताते हैं प्यारे साथियों यहां ध्यान देना एक पॉइंट बड़ा नोट करने वाला यदि आप सच में यदि आप सच में देखो अगर तुम्हें हवा हवाई बातें करनी है या उड़न तस्तरी में उड़ना है तो बात अलग है यदि सच में कॉन्सेप्ट सीखना है तो ध्यान से सुनिए दो चीजों का फर्क है यहां पर आ रहा है वे वे का मतलब एंड एक तरीके से क्या हुआ एंड हुआ वे का मतलब क्या है प्यारे साथियों एंड वे का मतलब क्या है एंड है सुनो यहां आ रहा है या।, या या का मतलब है और क्या है या का मतलब या का मतलब है और या का मतलब क्या है प्यारे साथी और जब भी एंड आता है मल्टीप्लाई करते हैं जब भी एंड आता है मल्टीप्लाई करते हैं सुनिएगा जरा ध्यान से और जब भी और आता है हमेशा जोड़ लगाते हैं जब भी एंड आता है मल्टीप्लाई करते हैं और जब भी और आता है जैसे एक, एक कुत्ता एक तो आपको जोड़ करना है क्या करना है? जोड़ सुनो भाई चार बिल्ली है पांच कुत्ते हैं तो दोनों को जोड़ दो मतलब नौ तरीके हुए कितने तरीके हुए नौ तरीके मतलब कितने तरीके हुए प्यारे साथियों नो तरीके समझ रहे हो कितने तरीके हुए प्यारे साथियों नो तरीके ध्यान रखना एंड आएगा तो गुणा करनी है और और आएगा तो प्लस करना है और और आएगा तो प्लस करना है प्यारे साथियों यदि सच में आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखना केवल हवा हवाई बात रटने वाली बात करनी है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर सच में कॉन्सेप्ट सीखना तो जरा बने रहिए है दो मिनट दो मिनट बने रहिए आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे समझ में आ रहा है सुनो अगला सवाल आप सभी के लिए आप सभी के लिए प्यारे साथियों सुनो 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 भाई मुझे पता है इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं छब्बीस छब्बीस होते हैं ना टोटल छब्बीस अक्षर होते हैं ना प्यारे साथियों टोटल छब्बीस अक्षर होते हैं ना इंग्लिश की वर्णमाला में सुनो सुनो प्यारे साथियों उसमें से 21 जो है तुम्हारे व्यंजन है कॉन्सोनेंट है मैं हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज्यादा होंगे उसमें इक्कीस व्यंजन है प्यारे साथियों और पांच क्या है उसमें इक्कीस तो उसके अंदर व्यंजन है मेरे प्यारे साथियों इक्कीस तो व्यंजन है और पांच है उसमें स्वर पांच क्या है स्वर अब जरा ध्यान से सुन ना अब जरा ध्यान से सुनना सवाल मेरा यह है सवाल मेरा यह है एक व्यंजन एक व्यंजन व एक स्वर एक व्यंजन व एक स्वर छाटने के कितने तरीके होंगे छाटने के कितने तरीके होंगे कितने तरीके होंगे बताइए जल्दी से जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों जल्दी से बताइए एक स्वर व एक <hls> जल्दी से बताइए एक स्वर व एक व्यंजन छाटने के कितने तरीके होंगे जल्दी से बताइए प्यारे साथियों जल्दी से बताइए प्यारे साथियों देखते हैं कौन जवाब देगा एक स्वर व एक व्यंजन छाटने के कितने तरीके होंगे बताइए प्यारे साथियों आपको दोनों चीज लेनी है एंड आ रहा है यहां स्वर व वह का मतलब एंड व्यंजन दोनों चीज छाटनी है स्वर भी और व्यंजन भी बताइए जरा कितने कितने तरीके होंगे हाँ वेरी गुड ये देखिए जरा ये देखिए आगे अपने शेर मैदान में आगे अपने शेर मैदान में ये सुमित कुमार जी अभिराम रंजन जी रितिका अंजलि जयप्रकाश अरवसी के गुप्ता बिल्कुल सही बिल्कुल सही वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आप, आप सबसे अगला प्रश्न है प्यारे साथियों ध्यान से उत्तर देना पूरे ध्यान से ध्यान से उत्तर देना एक व्यंजन एक व्यंजन एक व्यंजन या बीच में या लग रहा है या एक स्वर छाटने के छाटने के तरीके तरीके कितने तरीके होंगे कितने तरीके होंगे कितने तरीके होंगे एक स्वर या एक व्यंजन छाटने के कितने तरीके होंगे प्यारे साथियों एक स्वर या एक व्यंजन छाटने के कितने तरीके होंगे प्यारे साथियों बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे साथियों सुमित जी पूछ रहे हैं झारखंड वाले पे कब मंगल में होगी सुमित जी मंगल में मंगल में तैयार रहिएगा कुछ नया लेकर आ रहे हैं आपके लिए बताइए जल्दी से कौन बच्चा बता रहा छब्बीस आ, आ गया बहुत बढ़िया गजब कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा चलिए जरा प्यारे साथियों मुझे पता है या लग रहा है बीच में तो इसका मतलब इसे करने के 21 तरीके और या का मतलब क्या होता है जोड़ ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो चाहे पीएनसी का चैप्टर छब्बीस तो कि कि? कितने तरीके हुए प्यारे साथियों समझ में आ गया इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए Is that clear? समझ में आ गया सभी के चलिए जरा क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों क्या आप तैयार हैं प्यारे साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें बोलते हैं गणना का मूल सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग गणना का मूल सिद्धांत बोलते हैं और इसे बोलते हैं गुणा का सिद्धांत जब गुणा करते हैं और इसे बोलते हैं जोड़ का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन समझ में आया समझ में आया प्यारे साथियों चलिए जरा प्रश्नों की तरफ चलते हैं बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर कौन बच्चा देगा जल्दी से दीजिए जल्दी से दीजिए प्यारे साथियों इसका उत्तर कौन देगा जल्दी से दीजिए प्यारे साथियों इसका उत्तर कौन बच्चा दे रहा एक व्यक्ति के पास तीन शर्ट चार कोट टाई है एक व्यक्ति के पास तीन शर्ट चार कोट टाई है इने कितने प्रकार से पहन सकता है वह इन्हें कितने प्रकार से पहन सकता है बताइए जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों कौन उत्तर देगा जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे साथियों आया हुआ सवाल है जल्दी से अच्छा सुमित जी आपको भी आपको भी सुमित जी बताइए 72 टू आ, आ रहा है भैया सभी का ज्यादातर सभी का 72 टू आ रहा है सुन लो अभी तो बताया था आपको क्या कह रहा है वह इन्हें कितने प्रकार से पहन सकता है भैया अगर वो कपड़े पहनेगा तो उसे शर्ट भी चाहिए कोट भी चाहिए और टाई भी चाहिए तीनों ही चीज चाहिए एक एक तीनों चीज चाहिए आप दो दो शर्ट तो कोई पहनने का नहीं तो इसका मतलब तीन तीन तरीके शर्ट पहनने के हुए कोट पहनने के कितने तरीके चार तरीके पहनने सारी चीज है करने सारे ही काम है एंड आ रहा है बीच में इसलिए मल्टीप्लाई लग रही है और वहां क्या आ जाएगा प्यारे साथियों छह आ जाएगा तीन चौक बारह छिख बहत्तर कितना आया प्यारे साथियों बहत्तर तो मेरे प्यारे साथी जो जो आंसर बहत्तर दे रहे हैं उनका आंसर सही है प्यारे साथी उनका आंसर सही है बहुत बढ़िया गजब 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 मेरठ से अश्वनी जी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है समझ में आ गया प्यारे साथियों बताइए जरा समझ में आ गया वाली बात चलिए 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 बताइएगा जरा इस वाले सवाल का उत्तर जल्दी से एक बार दिमाग लगाइए प्यारे साथियों आ चुके हैं हम अब ऐसे सवाल आपने एग्जाम में देखे होंगे लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है वो आज हम समझा देंगे आपको बताइए जल्दी से हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक दो तीन चार पांच से कितनी संख्याएं बन सकती हैं प्यारे साथियों एक दो तीन चार और पांच से कितनी तीन अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं पहला सवाल यह है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है मतलब एक अंक जो आ गया वो दोबारा भी आ सकता है बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से लगाइए दिमाग दिमाग लगाइए प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा अंक एक दो तीन चार और पांच से तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बी ऑप्शन आ रहा है सुनिए सुनिए आप जरा ध्यान से सुनिए बड़े प्यार के साथ सुनिए सुनिए कितने अंकों की संख्या बनानी है प्यारे साथियों तीन अंकों की कितने अंकों की तीन अंकों की संख्या बनानी है पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक या प्यारे साथियों आप ये भी कह सकते हैं यदि आपको तीन अंकों की संख्या बनानी है तो आपको ये तीन बॉक्स भरने पड़ेंगे यदि आपको तीन अंकों की संख्या बनानी है प्यारे साथियों तो आपको ये तीन अंक भरने पड़ेंगे भाई इन अंकों का यूज करना एक दो तीन चार पांच तीन अंकों की संख्या कुछ भी हो सकती है सुनिए हो सकता है एक सौ तेईस हो सकता है तीन सौ तैतीस हो क्योंकि अंकों का रिपीटेशन है इन सारी संख्याओं में ये वाली संख्याएं भी आएंगी दो सौ बाइस आपका हो ऐसे कैसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दे रखा है इज अलाउड मतलब जो अंक एक बार आ गया वो दोबारा भी हम लिख सकते हैं समझ में आ रहा है सुनिए अगर ये कहता कि रिपीटेशन नोट अलाउड है तो फिर बात अलग होती लेकिन फिलहाल ये वाली संख्या हो सकता है ये हो चार सौ इकतीस ये भी इसी में आएगा तो ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है आप जरा ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों आपको कुल मिलाकर कितने काम करने हैं तीन काम करने हैं आपको कुल मिलाकर कितने काम करने प्यारे साथियों तीन काम करने हैं कितने काम करने प्यारे साथियों आपको कुल मिलाकर तीन काम करने हैं सुनिए जरा पहला काम करने के कितने तरीके इस पहले बॉक्स को भरने हैं उसे भरने के कितने तरीके होंगे पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे प्यारे साथियों हो? पहले बॉक्स को भरने के पांच तरीके होंगे पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे पांच तरीके भैया कोई सा भी अंक भर दो आपकी मर्जी है पहला बॉक्स भरना है आपकी मर्जी है कोई सा भी अंक भर दो पांच तरीके आपके पास पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके पांच तरीके मतलब इस काम को करने के पांच तरीके इसमें कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है मतलब जो अंक एक बार यहां आया ऐसा नहीं है कि वो दोबारा रिपीट नहीं होगा वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं पुनरावृत्ति है अनुमति है तो दूसरे बॉक्स को भरने के भी कितने तरीके पांच तरीके आप कहोगे कैसे भैया पांचों में से कोई सा भी भर दो पहले बॉक्स को भरने के पांच तरीके दूसरे बॉक्स को भरने के पांच तरीके और तीसरे बॉक्स को भरने के भी कितने तरीके पांच तरीके हर एक बॉक्स को भरने के पांच तरीके हैं लेकिन आप ये नहीं पूछते किसी से मल्टीप्लाई का निशान क्यों लगा रहे बीच में यह मल्टीप्लाई का निशान क्यों लगाते हैं बीच में भैया एक लिख देते हैं इसे भाई मल्टीप्लाई का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि तीनों ही काम करने हमें ऐसा नहीं है कि पहला भर भरके और हट जाएंगे एक तरफ काम हमें तीनों ही करने बॉक्स हमें तीनों ही भरने हैं पहला काम एंड दूसरा काम एंड तीसरा काम इसलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ रही बीच में समझ में आया ये जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बीच में क्यों लगाते हैं क्योंकि बीच में एंड आ रहा है करने तीनों ही काम है हमें समझ रहे हो समझ रहे हो सभी बताओ जल्दी से 125 क्या आ गया आंसर 125 आ गया ऑप्शन नंबर बी हुआ क्या हुआ 125 ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया प्यारे साथियों 125 ऑप्शन सा नंबर बी प्यारे साथियों क्या है आपकी समझ में आया चलिए जरा बताइए जरा इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा कह रहा रिपीटेशन रिपीटेशन की पुनरावर्ति की अनुमति नहीं है अंकल एक बार मैं लिख देता हूं एक दो तीन चार पांच साथियों ये वाले अंक है एक दो तीन चार और पांच ये वाले अंक इन वाले अंकों का यूज करके तीन अंकों की संख्या बनानी है तीन अंकों की कितने अंकों की तीन अंकों की तीन अंकों की संख्या बतानी है जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा नुगेरा पुनरावर्ती की अनुमति नहीं है इस बार पुनरावर्ति की अनुमति नहीं है बताइए जल्दी से बहुत बढ़िया सर जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने रिपीट नहीं किया कोई बात नहीं आज करवा देंगे कोई बात नहीं प्यारे साथियों हां साठ बिल्कुल सही साठ होगा बहुत बढ़िया क्या होगा साठ इनका यूज करके मुझे तीन अंकों की संख्या बनानी है कितने अंकों की तीन अंकों की तीन अंकों की मतलब तीन, अंक, तीन काम करने पड़ेंगे पहला काम दूसरा काम तीसरा काम तीन अंकों की संख्या बनाने का मतलब है तीन काम करने पड़ेंगे प्यारे साथियों पहले काम को करने के कितने तरीके हैं आप कहोगे जी कोई सा भी ले लो इनमें से पांच तरीके होंगे पहले काम को करने के पांच तरीके पहले काम को करने के पांच तरीके इन पांच में से कोई एक हमने यूज कर लिया पता नहीं कौन सा करा लेकिन इन पांच में से कोई एक यूज हो चुका है प्यारे साथियों दूसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके चार तरीके दूसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए चार तरीके हुए एक अंक यहां खर्च हो गया था इसलिए चार बचे थे अब ध्यान से सुनो हमने दो बॉक्स में कोई दो अंक खर्च कर दिए हमारे पास पांच अंक थे दो अंक खर्च हो गए तो तीसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके बचे तीन तरीके यानी कि पांच बीस या साठ उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों हो? इसका उत्तर होगा साठ सिक्सटी होगा समझ रहे हो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों हो? साठ होगा सिक्सटी होगा समझ में आ रही है वाली बात बताओ जल्दी से ये वाली बात समझ में आ गया समझ में आ गया प्यारे साथियों ये वाली बात समझ में आ गई सभी के चलो जल्दी से प्यारे साथियों इस वाले का उत्तर बताइए जल्दी से और सबसे पहले अपना जरूरी काम मत भूलिएगा जो हमारा सबसे जरूरी काम है इस धरा पर इस पृथ्वी पर जो हमारा जन्म हुआ है उस काम को मत भूलिएगा प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करना है आपको बताइए बताइए आपको वीडियो को लाइक करना जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए प्यारे साथियों यदि अंकों को दोहराया जा सके तो अंक एक दो तीन चार पांच छह से तीन अंकी है, सम अंक कितनी सम संख्या बनानी है कैसी संख्या बनानी है प्यारे साथियों सम संख्या बनानी है बताइए जरा उत्तर क्या होगा इसका जल्दी से अंजलि राय जी कह रही है सर जी फिर से रिपीट कर दीजिए अंजलि राय जी देख लो अंजलि राय जी सुनो नु कह रहा है कि अंकों की पुनरावर्ति नहीं होनी चाहिए मतलब जो अंक तुमने यहां ले लिया वो यहां नहीं लेना पांच में से कोई एक तो मैंने यहां भरा होगा तो इसे भरने के तो पांच तरीके कोई सा भी भर दीजिए पहले बॉक्स में तो खुली छूट है पांच में से कोई सा भी भर दो कोई एक यहां पे खर्च हुआ होगा कोई सा ना कोई सा एक तो यहां खर्च हुआ ही होगा अब जी पांच में से कोई एक अगर खर्च हुआ तो अब चार बचे तो चार यहां इस बॉक्स को भरने के अब चार तरीके हैं मेरे पास तो चार भर दिया इसमें अब दो अंक मेरे खर्च हो चुके प्यारे साथी दो अंक पांच में से पांच में से दो अंक मेरे खर्च हो चुके अभी कितने अंक बच रहे हैं तीन अंक तो इसे भरने के तीन तरीके अब क्योंकि मुझे भरने भी सारे ही बॉक्स है ये वाला बॉक्स एंड ये वाला बॉक्स एंड वाला बॉक्स इसलिए बीच बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया उत्तर आ गया एक माफ माफ करना उत्तर आ गया साठ चलिए इस वाले सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी से उत्तर बताइए प्यारे साथियों इस वाले सवाल का जल्दी से उत्तर बताइए प्यारे साथियों प्यारे साथियों हम देख रहे हैं आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं प्यारे साथियों आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं प्यारे साथियों जल्दी से बताइए यदि अंकों को दोहराया जा सके तो अंक एक दो तीन चार पांच छह से कितनी तीन अंकीय संख्याएं बन सकती हैं कितनी तीन अंकीय संख्याएं बस प्यारे साथियों ध्यान रखना सम संख्याएं तीन अंकीय सम संख्याएं हमें संख्या तो बनानी है तीन अंकों की हमें तीन अंकों की संख्या तो बनानी है प्यारे साथियों और वो संख्या कैसी होनी चाहिए वो संख्या सम होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए सम होनी चाहिए दे ध्यान से सुनिए पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स तीन बॉक्स है प्यारे साथियों कितने बॉक्स है तीन बॉक्स और तीनों बॉक्स को भरना है और सम संख्या हमें बनानी है प्यारे साथियों क्या बनानी है सम संख्या लगाइए दिमाग दिमाग लगाइए सुनिए जरा प्यारे साथियों यदि तीन अंकों की सम संख्या बनानी है तो मुझे लास्ट वाले बॉक्स को स्पेशल तरीके से भरना पड़ेगा आपको भी पता है कि लास्ट वाले बॉक्स में यदि कोई सम अंक होगा यदि कोई इवन डिजिट होगी तभी सम संख्या बनेगी समझ हो भाई लास्ट वाले बॉक्स में यदि कोई इवन डिजिट होगी कोई संख्या होगी तभी प्यारे साथियों कोई सम संख्या बनेगी अब देखो ध्यान से यदि मुझे सम संख्या बनानी है तो या तो दो से बनेगी या चार से बनेगी या फिर छह से बनेगी यदि मुझे सम संख्या बनानी हो प्यारे साथियों तो या तो दो से बनेगी या चार से या फिर छह से तो सम संख्या बनाने के लिए मुझे इस वाले गोले को इस वाले बॉक्स को कितने तरीके से मैं फिल कर सकता हूं एक दो तीन मतलब इस वाले बॉक्स को भरने के मेरे पास केवल तीन ही तरीके हैं तो इस वाले बॉक्स को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं प्यारे साथियों इस वाले बॉक्स को भरने के मेरे पास केवल तीन ही तरीके हैं आप कहोगे ऐसा कैसे भाई एक बात बताओ मुझे तीन अंकों की संख्या बनानी है और मैंने ऐसे लिख दिया क्या ये संख्या हुई नहीं अगर मुझे सम संख्या बनानी है तो लास्ट में ये, या तो दो होना चाहिए या चार होना चाहिए या छ होना चाहिए मतलब लास्ट के बॉक्स को बस तो मैं तीन ही तरीके से भर सकता हूं लेकिन कोई सा ना कोई सा तो अंक इसमें मैंने फिल कर दिया तो अब ये छह अंक थे और छह में से कोई एक मैंने यहां खर्च कर दिया तो अब कितने अंक बचे पांच अब कितने अंक बचेंगे भाई ये अंक बचे अब बचे पांच अंक ध्यान से सुनिए कितने अंक बचे अब बचे पांच अंक तो प्यारे साथियों इस वाले गोले को फिल करने के इस वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके पांच तरीके कितने तरीके पांच तरीके भैया इसे कोई एक यहाँ खर्च हो गया कह रहा ध्यान से सुनिए अंकों को दोहराया जा अच्छा दोहराने की बात कर रहा है प्यारे साथियों तो इसका मतलब यह है कि जो अंक यहां आया वो अंक यहाँ भी आ सकता है जो भी मैंने यहाँ खर्च किया उससे कोई मतलब नहीं है टोटल कितने प्यारे साथियों ये टोटल छ हैं तो इसे फिल करने के कितने तरीके छ तरीके और इसे फिल करने के कितने तरीके छह तरीके छ छ इसलिए लिए हैं क्योंकि कह रहा है अंकों को दोहराया जा सके अंकों को दोहराया जा सकता है रिपीटेशन अलाउड है अंकों को दोहराया जा सकता है और रिपीटेशन अलाउड है प्यारे साथियों अंकों को दोहराया जा सकता है और रिपीटेशन अलाउड है प्यारे साथियों ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों तो इसे भी छह तरीके छह तरीके छह चंग छत्तीस दिया 108 मतलब टोटल वेज कितने हुए टोटल वेज हुए 108 मतलब ऑप्शन नंबर ए हुआ टोटल वेज कितने हुए प्यारे साथियों 108 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हुआ प्यारे साथियों ए समझ रहे हो सभी तो आंसर क्या आएगा इसका 108 आएगा आंसर क्या आएगा प्यारे साथियों इसका 108 आएगा। आठ आएगा छत्तीस दिया एक कितना आएगा प्यारे साथियों एक आया बिल्कुल सही स्टार यादव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब सुनिए 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 जिन बच्चों की समझ में नहीं आया उनके लिए बताना चाहते हैं सुनिए जरा सुनिए कि जिंदगी का शोक पाला नहीं जाता सीसे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता कि जिंदगी का शोक पाला नहीं जाता सीसे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता और मेहनत से सवर जाती है जिंदगियां हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता सुनिए ध्यान से तीन अंकों की संख्या बनानी है प्यारे साथियों एक दो और तीन कितने अंकों की संख्या बतानी है तीन अंकों की संख्या बनानी है कितने अंकों की तीन अंकों की संख्या बनानी है प्यारे साथियों दिमाग लगाना आप और बनानी कैसी है सम संख्या बनानी है बनानी कैसी है प्यारे साथियों सम संख्या बनानी एक बात बताओ अगर आपको सम संख्या बनानी है तो भाई भाई जितनी भी सम संख्या बनेगी उसमें लास्ट में या तो दो आ सकता है या चार या छह तभी वो सम बन पाएगी भाई अगर मैं लिख दू एक सौ छप्पन तो हाँ ये सम है और तीन अंकों की भी है ठीक है अगर मैंने लिख दिया छह सौ छियासठ हाँ यह भी सही है क्योंकि इसमें कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है दोहराया जा सकते हैं अंक समझ रहे हो? लेकिन प्यारे साथियों आप ये नहीं कर सकते 125 लिख दिया आपने ये गलत हो जाएगा ये सम नहीं है ये विषम हो जाएगी ये संख्या सम नहीं होगी प्यारे साथियों विषम हो जाएगी आप ऐसा नहीं कर सकते आपको यह देखना है कि इस वाले गोले में इस वाले बॉक्स में मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं आपको सिर्फ एक बात का ध्यान लगाना है कि मैं इस वाले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकता हूं इस वाले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकता हूं और इस वाले बॉक्स को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं यदि प्यारे साथियों आपने ये दिमाग लगा लिया तो फिर ये सवाल बहुत हलवा खेल है ध्यान रखना परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दो ऐसे चैप्टर हैं प्यारे साथियों इसमें सोचना नब्बे परसेंट है और करना दस परसेंट है दस भी नहीं करना पिचानबे परसेंट सोचना है और पांच परसेंट करना है बस

क्या कह रहा अंकों को दोहराया जा सकता है मतलब कोई अंक जो यहां खर्च हुआ ऐसा नहीं है कि आप उसे दोबारा नहीं ले सकते आप उसे दोबारा भी ले सकते हैं मेरे पास छह अंक थे और यहां कोई खर्चा नहीं माना जाएगा क्योंकि कह रहा अंकों को दोहराया जा सकता है तो अभी मेरे पास फिर दोबारा से छः अंक है तो इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके छह तरीके इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके छह तरीके और इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके थे तीन तरीके छत्तीस दिया एक सौ आठ उत्तर कितना आया एक सौ आठ आया ये मत कह देना कि इसे, इसे भरने के भी छह तरीके हैं इसे भरने के छह तरीके नहीं हैं क्यों नहीं है क्योंकि सम संख्या बनानी है प्यारे साथियों इवन इवन नंबर नंबर बनाना 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 है बनाना है बनाना है क्या सम संख्या बनानी है क्या आप सभी की समझ में आया प्यारे साथियों क्या आप सभी के समझ में आया प्यारे साथियों ये बताइए जल्दी से क्या आप सभी की समझ में आया चलिए जरा अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे साथियों दिमाग लगाइए बताइए जल्दी से अंग्रेजी वर्णमाला के पहले दस अक्षरों का उपयोग करके कितने चार अक्षर वाले कोड बनाए जा सकते हैं जल्दी से बताइए प्यारे साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के पहले दस अक्षरों का उपयोग करके कितने चार अक्षर वाले कोड बनाए जा सकते हैं यदि कोई अक्षर दोहराया नहीं जा सकता है लगाइए दिमाग एक बार एक बार, okay. बार दिमाग लगाइए प्यारे साथियों और बताइए उत्तर इसका जल्दी से बताइए प्यारे साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के बताइए प्यारे साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के पहले दस अक्षरों का उपयोग करके प्यारे साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के पहले दस अक्षर तो आपको पता ही होंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये अंग्रेजी वर्णमाला के भाई पहले दस अक्षर कौन से हैं यही तो है ए B, C, D, E, F, G, H, I, J यही तो पहले दस अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के कह रहा है ये दस अक्षरों का आपको यूज करना है अंग्रेजी वर्णमाला के दस अक्षरों का आपको यूज करना है प्यारे साथियों और चार अक्षर वाले कोड बनाने हैं। एक अक्षर दो अक्षर तीन अक्षर और चार अक्षर प्यारे साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के इन दस अक्षरों का प्रयोग करना है और चार अक्षरों के कोड बनाने हैं तो बताइए कितने तरीके से वो कोड बन सकता है या कितने कोड बन सकते हैं सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से प्यारे साथियों बहुत आसान है एक बार जरा ध्यान से सुनिए मैं कहूं कि पहले बॉक्स को आपको भरना है पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे मैं आपसे एक बार सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं भाई आपको पहले बॉक्स को भरना है तो आप चाहे इसे भर दो चाहे इसे चाहे इसे किसी को भी भर दो तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए दस तरीके तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए प्यारे दस तरीके हुए हुए प्यारे साथियों पहले बॉक्स को भरने के पहले बॉक्स को भरने के दस तरीके हो गए सुनिए अब कोई एक अक्षर यहां खर्च हो गया कह रहा जो एक बार आया वो दोबारा नहीं ले सकते तो कोई यहां पर खर्च हो गया कुछ मेरे पास दस अक्षर थे मैंने दस यहां इसे भरने के दस तरीके हुए प्यारे साथियों यदि मुझे ये वाला भी बॉक्स भरना है यदि मुझे प्यारे साथियों ये वाला भी बॉक्स भरना है तो प्यारे साथियों दस में से कोई एक यहां खर्च हुआ तो इसे भरने के कितने तरीके नौ तरीके अब दो खर्च हो गए इसे भरने के कितने तरीके आठ तरीके और इसे भरने के कितने तरीके बचे सात तरीके समझ रहे हो समझ रहे हो सभी भाई इसे भरने के दस तरीके हुए इसे भरने के कितने तरीके हुए दस तरीके हुए इसे भरने के इसे भरने के कितने तरीके हुए नौ तरीके और इसे भरने के आठ तरीके और इसे भरने के कितने तरीके सात तरीके सबकी गुणा कर दो प्यारे साथियों आठ सत्ते छप्पन निम्मा पचास निम्मा हो गया साढ़े चार सौ और नौ छिक चौवन यानी कि ये हो गया आपका पांच सौ चार पांच हजार चालीस कितना आ गया प्यारे साथियों सबकी गुणा कर देंगे दस नौ आठ सात की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा पांच हजार चालीस आ जाएगा कितना आ जाएगा प्यारे साथियों पांच हजार चालीस आ जाएगा समझ रहे हो समझ रहे हो प्यारे साथियों और जल्दी से सभी को वीडियो शेयर कर दो प्यारे साथियों जितना हो सकता है जल्दी से सभी को वीडियो शेयर कर दो और प्यारे साथियों लाइक करना बिल्कुल ना भूलना चलिए जरा बताइए प्यारे साथियों इस वाले सवाल का उत्तर कौन बच्चा बता रहा है जल्दी से एक यदि प्रत्येक संख्या सड़सठ सड़ से शुरू होती है और कोई भी अंक अधिक बार नहीं आता जीरो से लेकर नौ के अंक तक का प्रयोग कर रहे हैं मतलब आप जीरो का भी प्रयोग कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ सवाल में यह है कि आप इनमें से किसी भी अंक का प्रयोग करिए और पांच अंकों का एक मोबाइल एक टेलीफोन नंबर बनाइए पांच अंकों का क्या बनाइए एक टेलीफोन नंबर आपको बनाना है एक दो तीन चार पाँच और क्या खास बात है कोई भी अंक रिपीट पे नहीं जाना चाहिए और एक खास बात हमेशा सिक्सटी सेवन से शुरू होना चाहिए मतलब यहां तो फिक्स है ये भी फिक्स है यहां तो भर दिया भैया ये सिक्स भरा रहेगा यहां सात इसमें आप छेड़ा छाड़ी नहीं कर सकते बताइए इसके इन्हें तीनों को भरना है कितने तरीके होंगे पांच अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है पांच अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है बताइए जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा प्यारे साथियों जल्दी से बताइए प्यारे साथियों सवाल में कहा गया है कि पांच अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है क्या बनाना है पांच अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है और शुरू के और शुरू के प्यारे साथियों शुरू के दो अंक फिक्स हैं पहला छ और दूसरा सात शुरू के दो अंक फिक्स है, पहला है और दूसरा क्या है सात है समझ रहे हो अब आपको ये वाला बॉक्स फिल करना है एक बात बताओ, आपके पास टोटल कितने अंक हैं यदि मैं आपसे पूछने लगू तो आप यही तो कहोगे एक दो मतलब दस अंक हैं जीरो एक से लेके नौ तक और एक जीरो दस अंक है ना टोटल दो अंकों का खर्चा हो चुका है वो फिक्स है पहले से उनमें कुछ नहीं कर सकते तुम यानी कि ना आप छ फिल कर सकते ना आप सात इनकी तो बात भूल जाओ ना तो आप किसी बॉक्स में आप छह भर सकते हैं ना भर सकते समझ रहे हो तो प्यारे साथियों मैंने दस अंकों में से दो अंकों का खर्चा कर दिया है ना तो अब मैं, मैं सात भर सकता हूं अब दस में से तुम्हारा दो का खर्चा हो गया तो कितने अंक बचे आठ यानी कि इस वाले बॉक्स को भरने के आठ तरीके इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके आठ तरीके Osionfish. इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके सात तरीके इस वाले बॉक्स को, को भरने के कितने तरीके प्यारे साथियों सात तरीके और इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके प्यारे साथियों छह तरीके कितने तरीके छह तरीके समझ पा रहे हो आप सभी इस वाले बॉक्स को भरने के आठ तरीके इस वाले बॉक्स को सात और इस वाले बॉक्स को छह तरीके समझ रहे हो तो कितना हो जाएगा आठ सत्य छप्पन छिका तीन सौ छत्तीस कितना प्यारे साथियों तीन सौ छत्तीस ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों वाली बात आपकी समझ में आई जल्दी से बताइएगा तीन सौ छत्तीस समझ में आ रहा है ये वाली बात आपकी समझ में आई प्यारे साथियों जल्दी से बताइए यदि आपकी समझ में आई तो एक बार लाइक जरूर करिए वीडियो को यदि आपकी समझ में आई प्यारे साथियों तो एक बार लाइक जरूर करना चलिए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है और परिणाम दर्ज कर लिया जाता है कितने संभावित परिणाम हैं बताइए जल्दी से देखता कौन बच्चा बता पाएगा एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है प्यारे साथियों सुनिए जरा ध्यान से कितनी बार तीन बार तीन बॉक्स बना लो एक बॉक्स पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स एक सिक्के को तीन बार उछाला गया तीन बॉक्स बना लिए मैंने एक बात बताओ जब तुम सिक्के को एक बार उछालते हैं जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है जब सिक्के को एक बार उछालते हैं एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है अगर आप सिक्के को एक बार उछालोगे प्यारे साथियों तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा सुन समझ रहे हो इसका मतलब जब मैं पहली बार उछालूंगा तो दो वेज हो सकते हैं दो तरीके हो सकते हैं प्यारे साथियों जब मैं सिक्के को पहली बार उछालूंगा तो प्यारे साथियों दो तरीके हो सकते हैं जब मैं सिक्के को प्यारे साथियों पहली बार उछालूंगा तो दो तरीके हो सकते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा जब मैं सिक्के को पहली बार उछालूंगा तो या तो हेड आ सकता है या दो टेल आ सकता है दूसरी बार भी यही तरीके हैं दूसरी बार भी यही दो तरीके हैं प्यारे साथियों और तीसरी बार भी कितने तरीके हैं तीसरी बार भी यही तरीके हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा आप सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा मतलब दो वेज हो सकते हैं हेड और टेल दोबारा भी दो वेज हो सकते हैं हेड और टेल और तिबारा भी दो हेड और टेल हो सकते हैं इसका मतलब अब उछाल भी तीनों ही बार रहे हैं उछाल भी तीनों ही बार रहे हैं, प्यारे साथियों इसका मतलब इसकी इसकी और इसकी गुणा कर दो मतलब आठ कितना प्यारे साथियों आठ संभावित परिणाम कितने हुए आठ हुए समझ रहे हो सभी भाई अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल मतलब दो तरीके हुए दो तरीके पहली बार उछाला दो तरीके दूसरी बार उछाला दो तरीके तीसरी बार उछाला तीन दो तरीके उछाल भी तीनों ही बार रहे हैं ऐसा तो है नहीं या तो एक बार उछाल रहे या दो बार तो इस बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई तो दो दूनी चार आठ तो आ गया आंसर इसका आ गया समझ रहे हो समझ रहे हो अगर किसी की ये बात में दिक्कत है अगर किसी की ये वाली बात समझ नहीं आ रही तो मैं बता के भी दिखा दूंगा अगर किसी के ये बात समझ में नहीं आई ना तो मैं बना के भी दिखाऊ देख लो ऐसा हो सकता है हेड 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 आए भाई पहली बार वाला तो हेड ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल आए ऐसा हो सकता है हेड टेल हेड आए ऐसा हो, हो सकता है टेल हेड हेड आए समझ रहे हो प्यारे साथियों ऐसा हो सकता है हेड टेल टेल आए टेल हेड टेल आए ऐसा हो सकता है टेल टेल हेड आए और ऐसा हो सकता है टेल 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 आए गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कुल मिला ये आठ ही तरीके हो सकते हैं जब हम तीन सिक्के उछालेंगे जब हम तीन सिक्के उछालेंगे ना प्यारे साथियों तो कुल मिला के ये आठ ही तरीके हो सकते हैं या तो ये 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 कोई सा भी एक तरीके कोई सा भी कोई सा भी प्यारे साथियों तो कुल मिला के यही तरीके हो सकते हैं समझ रहे हो चलो बताओ प्यारे साथियों इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे साथियों जल्दी से बताइए प्यारे साथियों और बने रहिए प्यारे साथियों गणना का जो आपको मूल सिद्धांत बताया था ना एक बार बस उस पर दिमाग लगाना अभी मैंने परमुटेशन पढ़ाया ही नहीं है अभी मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया ही नहीं है अभी तो बस केवल गणना का मूल सिद्धांत चल रहा है मूल सिद्धांत क्या है अगर मैं एक काम को एम तरीके से कर सकता हूं और दूसरे काम को एन तरीके से कर सकता हूं तो दोनों को एक साथ एम गुणा एन तरीके से कर सकता हूं और दोनों में से कोई एक करना हो तो एम प्लस एन तरीके से कर सकता हूं बस ये बात अभी चल रही है समझ रहे हो समझ रहे हो चलो बताओ जल्दी से एक सिक्के को छह बार उछाला जाता है एक सिक्के को छ बार उछाला जाता है अभी तो बताया था आपको भाई छह बार उछाला छह काम हो रहे हैं एक दो तीन चार पांच छ छाला जा रहा है सिक्के को सिक्के को जितनी बार भी उछाला जाए दो पावर उतनी कर दिया करो आंसर आ जाता है समझ रहे हो सुनो सुनो एक सिक्के को छह बार उछाला जाता है मतलब ये वाला फिल करने के दो तरीके यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो, दो की पावर छह दो की पावर छह बारे दो चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौंसठ मतलब कितना आया चौंसठ आया सिक्सटी फोर आया तो टोटल वेज कितने हुए प्यारे साथियों टोटल तरीके कितने हुए चौसठ तरीके टोटल तरीके कितने हुए प्यारे साथियों तरीके हुए ऑप्शन नंबर क्या आया बी आया समझ रहे हो टोटल तरीके कितने हुए चौसठ तरीके और सुन और सुन और सुनो भाई हो सकता है आपसे क्या सिक्के को आठ बार उछाला गया तो आप दो की पावर आठ कर देख रहे हो अगर सिक्के को दो बार उछाला गया तो दो की पावर दो कर देख रहा हूं अगर मान लो आप तुमसे कह सिक्के को पांच बार उछाला गया तो बिना डर के बिना किसी से पूछे किसी और को नहीं बताना है तरीका दो की पावर पांच कर दिया करो दो की पावर पांच का मतलब क्या होगा बत्तीस समझ रहे हो अब ये जैसे छह बार उछाला गया दो की पावर छह कर दो डायरेक्ट चौसठ आ गया क्या गया? आ गया चौसठ आ गया समझ रहे हो सभी इतनी बात समझ में आ गई सभी के <laughs> बताओ किसकी समझ में आ गया यदि 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 सिक्के को यदि सिक्के को सात बार उछाला जाए बताइए जल्दी से इसका उत्तर देखिए कौन बताएगा उछाला जाए तो कुल परिणाम तो संभावित परिणाम संभावित परिणाम जल्दी से बताइए कौन बता रहा है परिणामों की संख्या बताइए जल्दी से देखते हैं कौन बताएगा भैया इसको यदि सिक्के को सात बार उछाला जाए तो संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी एक सौ अट्ठाईस अरे दो की पावर सात कर दो सीधा क्या कर दो, दो की पावर सीधा सात कर दो प्यारे साथियों और जिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया ना बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं दो की बार सात का मतलब क्या हो जाएगा एक सौ अट्ठाइस दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह बत्तीस दूनी चौंसठ दूनी एक सौ अट्ठाइस ठीक है तो क्या हो गया एक सौ अट्ठाईस हो गया चलो जरा इस वाले सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से दिमाग लगाइएगा प्यारे साथियों अलग अलग रंगों के पांच झंडों को देखते हुए कितने अलग अलग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकते हैं मतलब बनाए जा सकते हैं आपके पास अलग अलग रंगों के पांच झंडे हैं और प्यारे साथियों आपको सिग्नल ऐसे बनाना है कि आपको दो अलग अलग रंग रखने हैं मतलब दो रंगों को आप मिलाएंगे तो एक सिग्नल बन जाएगा सुनिए ध्यान से आपके पास अलग पांच अलग अलग रंग के झंडे हैं नीला पीला हरा गुलाबी ऐसे पांच अलग, अलग अलग रंग के झंडे हैं दो झंडों को लेना है एक झंडा एक झंडा दो झंडों को लेना है और दो झंडों से एक सिग्नल बन जाएगा अगर आप दो झंडों को लेंगे तो उससे एक सिग्नल बन जाएगा कितने कितने रंग आपके पास पांच झंडे कितने पांच कितने प्यारे साथियों आपके पास पांच अलग अलग रंग के झंडे हैं और कोई से दो आप रंग से ले लेंगे तो एक सिग्नल बन जाएगा कितना एक सिग्नल बन सुनो ध्यान से तो प्यारे साथियों आप अगर कहोगे भाई पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं पहले बॉक्स में कोई सा भी झंडा गाड़ दो इन दोनों में झंडे लगाने मुझे यहां भी झंडे लगाने और यहां भी तो पहले बॉक्स में झंडा लगाने के कितने तरीके हुए पहले बॉक्स में झंडा लगाने के पांच तरीके होंगे पहले बॉक्स में झंडा लगाने के पांच तरीके क्योंकि पांच में से कोई सा भी झंडा लगा लो पहले बॉक्स में झंडा लगाने के कितने तरीके होंगे पांच तरीके पांच में से कोई सब झंडा लगा लो अब कोई एक झंडा यहां खर्च हो गया तो वो तो अब रंग का दूसरा तो है नहीं क्योंकि पांच झंडे थे मेरे पास और सभी का रंग अलग, अलग अलग था तो ऐसा तो है नहीं जो यहां लगा यहां लगाओ लग सकता है अब तो एक खर्च हो गया कोई एक तो अब इस वाले बॉक्स में उसे झंडा लगाना तो कितने तरीके बचेंगे चार तरीके तो पांच चौका कितना हुआ बीस पांच चौक कितने हुआ प्यारे साथियों बीस हुआ कितना हुआ प्यारे साथियों पांच चौक बीस हुआ

बीस हुआ दिमाग लगाओ अगर आप दिमाग लगाओगे सवाल बहुत है ध्यान रखना परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर्मचय संचय में पिचानवे परसेंट काम आपका सोचने का है और पांच परसेंट काम करने का है समझ रहे हो समझ रहे हो चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ जल्दी से बताइए पहले साथियों बताओ प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा और प्यारे साथियों जिस जिस बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देगा आपको आज हम ऐसी ऐसी चीजें ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले बताइए जल्दी से इस वाले सवाल का उत्तर कौन बच्चा बता रहा सुनो पांच अलग अलग रंग के झंडों से एक समय में तीन अलग अलग, अलग रंग के झंडे लेकर कितने अलग अलग सिग्नल बनाए इस बार झंडे तीन लेने हैं इस बार झंडे कितने लेने है? इस बार झंडे तीन लेने हैं तो सुनो पहला बॉक्स ऐसा समझो तीन बॉक्स भरने हैं दूसरा बॉक्स तीस, तीसरा बॉक्स समझ रहे हो मुझे पहले बॉक्स को भरना है दूसरे को और तीसरे को पांच अलग अलग रंग के झंडे हैं यदि मैं कहूं कि पहले बॉक्स को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं तो पांच झंडों में से कोई सा भी झंडा ले सकता हूं तो इसे फिल करने के पांच तरीके कोई एक झंडा यहां लग गया अब चार झंडे मेरे पास बचे तो दूसरे बॉक्स में मैं चार झंडों में से कोई सा भी एक झंडा ले सकता हूं तो चार तरीके हो गए कितने तरीके चार तरीके हो गए दो झंडे खर्च हो गए पांच में से दो झंडे खर्च हो गए अभी तीसरा बच गया बज गए तो इसका मतलब प्यारे साथियों दिया साठ तो कितने सिग्नल बन सकते हैं टोटल साठ सिग्नल बन सकते हैं अलग अलग तरीके के टोटल कितने सिग्नल बन सकते हैं प्यारे साथियों टोटल अलग अलग तरीके के साठ सिग्नल बन सकते हैं समझ रहे हो टोटल अलग अलग तरीके के साठ सिग्नल सिक्सटी सिक्सटी सिग्नल बन सकते हैं प्यारे साथियों समझ में आ रहा है सभी के भाई समझ में आ रहा सभी के जल्दी बता दो फॉर्म तो इसके चलने थे एक तारीख से ही लेकिन किन्हीं कारणों बस नहीं चल पाए फिर भी आप विलंब अब हो रहा है कोई ऐसी बात नहीं है जल्दी ही शुरू होंगे यदि कोई अंक दोहराया न जाए तो एक से नौ अंकों एक से नौ अंक का उपयोग करके कितनी तीन अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है बताइए जल्दी से कौन कौन बच्चा इसका उत्तर बता रहा है जल्दी से यदि कोई अंक दोहराया न जाए तो एक से नौ अंक का उपयोग करके कितनी तीन अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं इसी मंथ के एंड में शुरू हो सकता है चिंता मत करना फॉर्म इसका अप्लाई होना तो इसलिए तैयारी करते रहो बताइए प्यारे साथियों कौन बच्चा इसका उत्तर बता रहा है और जो जो बच्चे आए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भैया सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो सुन लो सुन लो कह रहा एक से लेके नौ अंक तक का प्रयोग करना है इसका मतलब आप एक का भी प्रयोग कर सकते हो दो का भी तीन का भी चार का भी पांच का भी छत आठ और नौ एक से लेकर नौ में से किसी भी अंक का आप प्रयोग कर सकते हो और आपको तीन अंकों की संख्या बनानी है मतलब आपको तीन बॉक्स फिल करने हैं आपको तीन अंकों की संख्या बनानी है मतलब आपको तीन बॉक्स फिल करने हैं प्यारे साथी दिमाग लगाना जरा दिमाग लगाना एक बात बताओ पहले बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने तरीके हुए अब तो पहले बॉक्स में तो ध्यान दो ध्यान दो दोहराया न जाए कह दिया इसमें कि जो अंक एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए भाई बॉक्स में तो आप चाहे जोई सा आपके पास नौ में से कोई सा भी अंक भर दो तो पहले बॉक्स को भरने के नौ तरीके हुए नाइन वेज हुए कोई एक अंक यहां खर्च हुआ उसे मैं दोबारा नहीं ले सकता कह दिया गया दोहराया न जाए अंक तो रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसे भरने के कितने तरीके हुए इसे भरने के आठ तरीके हुए दूसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए दूसरे बॉक्स को भरने के आठ तरीके हुए प्यारे साथियों दो अंक मेरे खर्च हो गए और तीसरे अंक को भरने के तीसरे बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए सात तरीके बस इनकी गुणा करनी, करनी है आपको बस इनकी क्या करनी है गुणा करनी है करिए जरा गुणा 7 8 56 56 में 56 घटाया 504 कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 504 आ जाएगा समझ रहे हो पहले बॉक्स को भरने के नौ तरीके दूसरे को आठ और तीसरे को सात सबकी गुणा कर दीजिए तो पांच सौ चार आ जाएगा क्या आ जाएगा प्यारे साथियों पांच सौ चार आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब समझ रहे हो हाँ पांच सौ चार आ जाएगा समझ रहे हो प्यारे साथियों क्या आ जाएगा पांच सौ चार आ जाएगा समझ में आए प्यारे साथियों बहुत बढ़िया गजब तूफानी आज कुछ तूफानी करते हैं चलिए बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या हुआ जल्दी से ऐसी कितनी चार अंकीय संख्याएं हैं जिनमें कोई अंक दोहराया नहीं गया है तकड़ा सवाल है प्यारे साथ इतना तकड़ा नहीं बहुत आसान भी है आसान भी है इतना तकड़ा भी नहीं है सुनो पहले तो अंक पता होने चाहिए ना कौन कौन से अंक होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में दस अंक होते हैं तो चार पांच आठ नौ ये दस अंक है ये कितने अंक है प्यारे साथियों ये दस अंक है ये कितने अंक है प्यारे साथियों ये दस अंक है कह रहा इन दस के दस अंकों का आप प्रयोग करो इन दस के दस अंकों का आप यूज करो प्रयोग करो दस के दस अंकों का यूज करो और ये बताओ मुझे चार अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं एक दो तीन चार और मुझे ये बताओ कि चार अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं और एक खास बात आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ इसने करा टोटल संख्याएं बताओ रिपीटेशन वाली भी इसमें आ सकती हैं ऐसा नहीं है रिपीटेशन वाली आप इसमें नहीं ले सकते रिपीटेशन वाले भी आप इसमें ले सकते हैं बताइए टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं अंक अच्छा इसमें कह रहा है दोहराया नहीं गया है माफ करना प्यारे साथियों इसमें कह रहा है दोहराया नहीं गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है इसमें रिपीटेशन नो डिजिट रिपीटेड मतलब अंक को दोहराना नहीं है जो अंक एक बार आ गया प्यारे साथियों वो दोबारा नहीं आना है ठीक है चार अंकों की संख्या बनानी है इन सभी का यूज करना है बताइए कितने तरीके होंगे जल्दी से हाँ नोट रिपीटेड सही है चार अंकों की संख्या बनानी है बताइए जल्दी से प्यारे साथियों क्या उत्तर होगा इसका जी हां प्यारे साथियों जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। बताइए जल्दी से इसका उत्तर हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड ऐसी कितनी चार अंकीय संख्याएं हैं जिनमें कोई अंक दोहराया नहीं गया है ठीक है भाई, बता रहे हैं सुनो 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 प्यारे साथियों आप जरा ध्यान से सुनना एक बार पूरा पूरा ध्यान यहां लगा दो सुनो सवाल में यह कहा गया कि जीरो से लेकर नौ तक के अंकों का प्रयोग करो और चार अंकों की संख्या बनाओ बताइए ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हो यह सवाल में पूछा गया प्यारे साथियों आपसे एक बात पूछनी थी बताइए क्या पहले वाले बॉक्स में मैं जीरो भर सकता हूं नहीं भर सकता अगर आपने संख्या ऐसी बना दी जीरो तीन सौ पच्चीस तो क्या ये तीन अंकों चार अंकों की संख्या है क्या इस संख्या में चार डिजिट है बताइए जल्दी से नहीं यह तीन अंकों की, अंको की संख्या मानी जाएगी क्योंकि जीरो आ जाएगा शुरुआत में यदि जीरो शुरुआत में आ गया तो अब यह तीन अंकों की संख्या मानी जाएगी चार अंकों की संख्या ये नहीं मानी जाएगी तो पहले वाले बॉक्स में मैं जीरो फिल नहीं कर सकता अगर पहले वाले बॉक्स में मैंने जीरो फिल कर दी तो प्यारे साथियों फिर यह संख्या तीन अंकों की बन जाएगी तो आपसे मैं एक बात मुझे पूछनी थी बिल्कुल सीधी सीधी बताइए पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे आपसे एक बात मुझे बिल्कुल सीधी सीधी पूछनी थी बताइए जरा पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे बताइए जल्दी से पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे बिल्कुल सीधी सीधी सीधा सीधा प्रश्न है तो आप कहोगे जी जीरो नहीं ले सकता मैं लेकिन बाकी तो हर किसी में से कुछ भी ले सकता हूं बाकी तो मैं नो के नौ अंकों में से कुछ भी ले सकता हूं तो पहले वाले बॉक्स को भरने के नौ तरीके कितने तरीके होंगे नौ तरीके समझ रहे हो प्यारे साथियों पहले वाले बॉक्स को भरने के नौ तरीके समझ रहे हो सुनो अब जरा ध्यान से मेरे पास दस अंक थे और दस अंकों में से दस ही तो होंगे एक से लेकर नौ तक और जीरो भी तो है मेरे पास दस अंक थे और दस अंकों में से कोई एक अंक मैंने यहां खर्च कर दिया सवाल में कहा गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब जो अंक एक बार आ गया वो अंक दोबारा नहीं आना चाहिए इस वाले बॉक्स को भरने के नौ तरीके हुए कोई एक तो मैंने यहां खर्च कर दिया होगा पता नहीं कौन सा करा अब मेरे पास दस अंकों में से एक अंक मैंने यहां खर्च कर दिया अभी कितने अंक बचे नो अंक कितने अंक बचेंगे नौ अंक यहां नो इसलिए आया था क्योंकि यहां मैं जीरो नहीं भर सकता यहां जीरो को छोड़ के बाकी नो में से कुछ भर सकता हूं क्योंकि अगर पहले बॉक्स में मैंने जीरो भर दी तो संख्या तीन अंकों की बन जाएगी तो पहले वाले बॉक्स को भरने के नौ तरीके हुए कोई एक, दस अंकों में से कोई एक अंक यहां खर्च हो गया अभी नौ अंक बचे हैं वो आ गया यहां पे इस वाले बॉक्स को भरने के आठ तरीके और इस वाले बॉक्स को भरने के सात तरीके क्यों यहां दस में यहां नौ में से कोई एक भरा कोई यहां खर्च हो गया अब यहां नौ तरीके यहां आठ तरीके यहां सात तरीके एक एक खर्च होता जा रहा ना लगातार बस इन सब की आपको गुणा करनी है प्यारे साथियों क्या करनी है इन सब की गुणा करनी है करिए जरा समझ में तो आ रहा है तुम्हारी इसे ये जो पहला बॉक्स है इसे भरने के नौ तरीके इसलिए हैं क्योंकि पहले वाले बॉक्स में मैं जीरो नहीं भर सकता अगर आप पहले वाले बॉक्स में प्यारे साथियों क्या यह चार अंकों की संख्या है क्या यह चार अंकों की संख्या है नहीं है यह तीन अंकों की संख्या बन जाएगी इसलिए पहले वाले बॉक्स में जीरो नहीं भर सकता इसलिए पहले वाले बॉक्स में मैं जीरो नहीं भर सकता इसे भरने के नौ तरीके अब कोई दस में से कोई एक यहाँ खर्च हुआ तो फिर नौ बच गए ना दूसरे वाले में तो जीरो खर्च हो गए तो आठ तो तरीके तीन खर्च हो गए तो सात तरीके सबकी गुणा कर दो नौ ने भी किया अस्सी अठे अड़तालीस और सात से गुणा मारो इसमें सात अट्ठे छप्पन हासिल से लगे पांच सात चौक अट्ठाईस और पांच तैतीस हासिल लगे तीन साक्षिंग बयालीस और तीन पैंतालीस मतलब पैंतालीस सौ छत्तीस कितना होगा पैतालीस सौ छत्तीस होगा समझ में आ रहा है बताओ जल्दी से किस किसकी समझ में आ गया ये वाला सवाल जल्दी से बताओ किस किसकी समझ में आ गया ये वाला सवाल और प्यारे साथियों जिस जिसकी समझ में ये वाला सवाल आ गया वो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ जहां तक भी आपकी पहुंच है वहां तक शेयर कर दीजिए एक बार फिर दोबारा समझा रहे सुनो एक बार फिर दोबारा समझा रहे हैं सुनिए 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 सुनो फिर दोबारा समझा रहे हैं सुन लो भैया जिनकी समझ में नहीं आया नहा उनके लिए आपको चार अंकों की संख्या बनानी है आप समझ तो पा रहे हैं ना बात क्या चल रही है इनका यूज करके चार अंकों की संख्या बनानी हो सके आपने ये बना दी हो? छप्पन सो अठहत्तर हो सके किसी ने ये बना दिया हो सके किसी ने ये बना दिया चार अंकों की बनानी है ना कोई कुछ भी बना सकता है तीन दो एक चार हो सके किसी ने बनाई ऐसी चार अंकों की ये तो मैंने कुछ ही लिखी है यहाँ पर ये तो मैंने कुछ ही यहाँ पर लिखी है ऐसी 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 बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं ऐसी 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 बहुत सारी संख्याएं बन सकती है तो कुछ लिखी है मैंने लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते ये गलत हो जाएगा आप कभी भी जीरो वन टू थ्री ऐसे ये चार अंकों की नहीं होगी जब जीरो शुरू में आ जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तीन अंकों की संख्या बनेगी ये कितने की बनेगी तीन अंकों की संख्या बनेगी ऐसी 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 कितनी संख्याएं बन सकती है ये क्वेश्चन में पूछा गया ऐसी ऐसी कितनी संख्या है? टोटल कितनी बन सकती है क्वेश्चन में पूछा गया पहले वाले बॉक्स में मैं जीरो नहीं ले सकता जीरो ले लिया तो प्यारे साथियों ये तीन अंकों की बन जाएगी तो नौ तरीके नौ तरीके और यहां आठ तरीके और यहां सात तरीके ठीक है प्यारे साथियों और इन सब की गुणा करके क्या रहा आ रहा था पैंतालीस सौ छत्तीस आ रहा था ऑप्शन नंबर बी आ रहा था समझ रहे हो आया समझ में बताओ जल्दी से आ गया समझ में जल्दी से बताओ आ आपकी समझ में चलो बताइए जरा इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों जहां तक भी आपकी पहुंच है वहां तक वीडियो को शेयर करिए जल्दी से और इस वाले सवाल का उत्तर बताइएगा जल्दी से जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों इस वाले सवाल का उत्तर यदि कोई अंक दोहराया न जाए तो अंक एक दो तीन चार छ सात का उपयोग करके कितनी तीन अंकों की सम संख्याएं अंजलि कह रही है सेकंड बॉक्स में दस क्यों नहीं लिखा अंजलि ने यह पूछा कि आपने यहां पर दस क्यों नहीं लिखा अंजलि जी मेरे पास दस अंक थे टोटल दस में से कोई एक मैंने यहां पर खर्च कर दिया जब मैंने यहां भरा तो कोई तो खर्च हुआ होगा ना अब तुम दस में से कोई एक अंक खर्च कर दोगे तो कितने अंक बचेंगे नौ अंक बचेंगे इसलिए यहां नौ लिखा अब दस में से दो खर्च हो जाएंगे क्योंकि एक मैंने यहां भर दिया तो आठ फिर यहां भी कर दिया तो सात ऐसे ऐसे समझ रहे हो चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे साथियों इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा यदि कोई अंक दोहराना है जाए तो एक दो तीन चार छ और सात ध्यान रखना पांच नहीं है इसमें तीन अंकों की सम संख्या बनानी है मतलब मुझे तीन बॉक्स फिल करने हैं प्यारे साथी और ध्यान रखना संख्या कैसी होनी चाहिए सम दिमाग लगाना मैंने करवाया एक सवाल आपको संख्या कैसी होनी चाहिए सम दिमाग लगाओ एक बार बताओ इसका उत्तर एक बार दिमाग लगाइए और उत्तर बताइए इसका और लाइक करिए जल्दी से वीडियो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे साथियों बताओ जल्दी से सुनो कैसी संख्या बनानी है सम संख्या बनानी है ना कैसी संख्या बनानी है सम संख्या बनानी है ना सुनो ध्यान से अगर आपको तीन अंकों की सम संख्या बनानी है तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको सबसे लास्ट वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना उसमें आपको कोई इवन डिजिट ही भरनी पड़ेगी या तो आप जीरो भरो या, दो, या चार या छह या आठ इनमें से कोई एक अंक इसमें आना चाहिए तभी यह संख्या बन पाएगी तो जब भी सम या विषम की बात चलेगी तो आपको सबसे लास्ट वाले बॉक्स पर सबसे पहले ध्यान देना है भाई अब मुझे सम संख्या बनानी है तो अब सबसे लास्ट वाला बॉक्स पर सबसे पहले ध्यान दो

या तो यहां छे आ जाएगा बस यही तीन तरीके हैं इसे फिल करने के इसे फिल करने के कितने तरीके हुए इसे फिल करने के यही तीन तरीके हुए प्यारे साथियों मेरे पास कुल कितने अंक थे इनकी भी जानकारी मुझे होनी चाहिए जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है सुनिए मेरे पास कुल अंक थे एक दो तीन चार पाँच छ मेरे पास कुल कितने अंक थे प्यारे साथियों मेरे पास कुल छह अंक थे मेरे पास कुल कितने अंक थे प्यारे साथियों मेरे पास कुल छ अंक थे छह अंकों में से एक अंक कोई मेरा यहाँ खर्च हो जाएगा कोई इसको मैं भरूंगा ना भाई तरीके तो तीन है पर भरूंगा तो एक ही ना कोई एक मैंने यहाँ फिल कर दिया छह अंक मेरे पास टोटल छह अंक थे छह में से कोई एक यहाँ फिल हो गया अभी कितने बचे अभी पांच बचे तो इस वाले को भरने के कितने तरीके पांच तरीके इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए पांच तरीके इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए? तरीके हुए प्यारे साथियों पांच कोई एक अंक यहां भी खर्च हो गया कोई एक यहाँ खर्च हो गया तो कोई एक यहाँ भी खर्च हो गया अभी कितने अंक बच रहे हैं मेरे पास चार प्यारे साथियों टोटल पांच जो बीस दिया साठ तो टोटल कितने अंक बनेंगे साठ नंबर बनेंगे टोटल तो कितने नंबर बन सकते हैं प्यारे साथियों साठ बन सकते समझ में आ रहा सभी के अरे सभी ये समझ में आ गया है बताओ जल्दी से साठ आंसर क्या आ जाएगा इसका सिक्सटी आ जाएगा क्या आ जाएगा आंसर इसका चलो बताइए जरा उत्तर बताइए इसका इसका उत्तर बताइएगा प्यारे साथियों जल्दी से चार अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो एक दो तीन चार का उपयोग करके बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया न जाए यदि कोई अंक दोहराया न जाए दो सवाल हैं एक तो टोटल संख्या बतानी है कितनी बनेगी फिर सम संख्या पूछिए पहले टोटल बता दो चार अंकों की कितनी संख्या बनेगी सवाल में यह कहा गया कि एक दो तीन चार पांच इनका प्रयोग करना है और चार अंकों की संख्या बनानी है इनका प्रयोग करना है आपको और चार अंकों की संख्या बतानी है इनका प्रयोग करना है आपको और चार अंकों की संख्या बतानी है बताइए कितनी अंक कितनी बनेगी कौन बच्चा बता रहा है जल्दी से बताइए आपको इन सभी संख्याओं का प्रयोग करना है प्यारे साथियों इन अंकों का और चार अंकों की संख्या बनानी है पहले वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके पहले वाले बॉक्स को आप पांच में से कोई सा भी नंबर भर दो कोई सा भी अंक भर दो तो पहले वाले बॉक्स को भरने के पांच तरीके हो गए कोई एक यहां खर्च हो गया इसमें क्या कह रहा है <laughs> यदि कोई अंक दोहराया ना जाए रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब पांच यहां इसे फिल करने के पांच तरीके सुनो सुनो ध्यान से इसे फिल करने के पांच तरीके कोई एक यहाँ खर्च हुआ तो इसे फिल करने के कितने तरीके चार तरीके कोई दो भाई कोई एक यहाँ खर्च हो गया अब दो खर्च हो गए पांच में से दो खर्च हो गए तो तीन बचे फिर यहाँ दो बचेंगे तो प्यारे साथियों मैं कह सकता हूं तो पांच बीस दिया एक सौ बीस तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी एक सौ बीस कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी एक सौ बीस प्यारे साथियों अब दूसरा सवाल सुनिए इसमें दो सवाल हैं अगर बुद्धि है तो आ जाइए जरा खेलिए हमारे साथ गेम तो आपको पता लग जाएगा सुनिए इसमें से कितने सम होंगे क्या पूछा जा रहा है इसमें से कितनी संख्याएं सम होंगी पहला सवाल यह था कुल संख्या कितनी है एक आ गया दूसरा कह रहा है कितनी सम बनेगी अगर मुझे चार अंकों की सम संख्या बनानी है एक दो तीन चार अब ध्यान से सुनना मुझे इनका प्रयोग करना है एक दो तीन चार पांच और संख्या बनानी है चार अंकों की और कोई अंक दोहराना भी नहीं है रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है प्यारे साथियों रिपीटेशन क्या नहीं है रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है प्यारे साथियों यदि मुझे सम संख्या बनानी है तो सम संख्या बनाने के लिए यदि मुझे सम संख्या बनानी है प्यारे साथियों तो सम संख्या बनाने के लिए लास्ट के लास्ट में लास्ट वाले बॉक्स में या तो, दो, दो या, दो तो दो या तो मैं दो भर सकता हूं या मैं चार भर सकता हूं अगर मुझे चार अंकों की सम संख्या बनानी है तो चार अंकों की सम संख्या के लिए लास्ट वाले बॉक्स को भरने के मेरे पास दो ही तरीके हैं या तो मैं दो भर सकता हूं या मैं चार भर सकता हूं बस ये दो ही तरीके से फिल कर सकता हूं लास्ट वाले बॉक्स को तो इसको फिल करने के दो तरीके हुए इसको फिल करने के कितने तरीके हुए दो तरीके इसको फिल करने के कितने तरीके हुए प्यारे साथियों दो तरीके अब सुनो ध्यान से सुनो सुनो पांच में से कोई एक यहां खर्च हुआ प्यारे साथियों समझ रहे हो पांच में से कोई एक यहां खर्च हो गया पांच में से कोई एक मैंने यहां खर्च कर दिया प्यारे साथियों अभी कितने बचे मेरे पास चार बचे और यहां तीन और यहां दो यानी कि चार या बारह दूनी चौबीस धोनी अड़तालीस कितना आ गया अड़तालीस मतलब प्यारे साथियों संख्या कितनी बनेगी सम बनेगी अड़तालीस सम संख्या कितनी बनेगी प्यारे साथियों सम संख्या बनेगी अड़तालीस फोर्टी एट समख्या कितनी बनेगी 48 बनेगी सुनो फिर ध्यान से प्यारे साथियों इस वाले बॉक्स को फिल करने के मेरे पास दो ही तरीके हैं इस वाले बॉक्स में या तो मैं दो भर सकता हूं या चार भर सकता हूं मतलब इसे टोटल टू वेज हुए इसे फिल करने के अब कोई एक तो मैंने यहां खर्च कर दिया इन पांचों में से कोई एक मेरा यहां खर्च हो गया तो कितने बचे अभी चार बचे इसे फिल करने के चार तरीके इसे तीन इसे दो सबकी गुणा कर दो आंसर कितना आ गया फोर्टी तो प्यारे साथियों मैं कह सकता हूं कुल संख्या तो बनेगी 120 और सम संख्या बनेगी 48 कुल संख्या बनेगी 120 और सम संख्या कितनी बनेगी 48 समझ रहे हो सभी चलो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से और शेयर कर दीजिए जहां से जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक शेयर करिए वीडियो को आठ व्यक्तियों की समिति में से हम कितने तरीकों से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं यह मानते हुए कि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं हमें दो चीजें चुननी है मेरे साथियों एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है दो चीजें चुननी है हमें एक अध्यक्ष चुनना है एक उपाध्यक्ष चुनना है और जो अध्यक्ष बन गया वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता जो उपाध्यक्ष बन गया वो अध्यक्ष नहीं बन सकता एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा दो पदों पर नहीं रहेगा बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे साथियों फिफ्टी सिक्स और भी आ रहा किसी का आंसर भैया और भी आ रहा है प्यारे साथियों किसी का आंसर हम्म सुनो अगर मुझे पहले अध्यक्ष चुनना है तो आठ तरीके आठ में से आठ लोग हैं मेरे पास किसी को भी अध्यक्ष बना सकता हूं सुन रहे हो पहला अध्यक्ष चुनने के कितने तरीके हुए आठ अब कोई एक तो अध्यक्ष बन गया ना आठ में से वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता अब वो एक तरफ खड़ा हो जाएगा भैया अध्यक्ष तुम हो एक तरफ खड़ा हो गया अभी सात लोग बचे सात लोगों में से उपाध्यक्ष चुनना है कितने तरीके होंगे सात तरीके आठ सत्य छप्पन कुल कितने तरीके प्यारे साथियों छप्पन तरीके कुल कितने तरीके प्यारे साथियों छप्पन तरीके कुल कितने तरीके छप्पन तरीके समझ रहे हो सभी सभी समझ रहे हो चलो चलो प्यारे साथियों अब परमुटेशन की तरफ चलते हैं किसकी तरफ परमुटेशन अब किसकी तरफ चलते हैं प्यारे साथियों परमुटेशन को, सा सा को, को थोड़ा सा समझते हैं थोड़ा सा परमुटेशन को समझते हैं करमचय बोलते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं करमचय क्या बोलते हैं करमचय अब परमुटेशन को थोड़ा सा समझते हैं प्यारे साथियों क्या बोलते हैं इसे करमचय बोलते हैं प्यारे साथियों आपको एक छोटी सी बात बताता हूं इट इज एन अरेंजमेंट इट इज एन अरेंजमेंट ये एक अरेंजमेंट है इट इज एन अरेंजमेंट ये एक अरेंजमेंट है कैसा अरेंजमेंट है कैसा अरेंजमेंट है सुनिए जरा कैसा अरेंजमेंट है सुनो अरेंजमेंट ये एक अरेंजमेंट है और कैसा अरेंजमेंट है प्यारे साथियों सुनिए आपके पास मान लीजिए तीन दोस्त हैं ए बी और सी तीन दोस्त हैं ए बी और सी ध्यान से सुनना प्यारे साथियों आज तक आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुन लो तीन दोस्त हैं ए बी और सी उनके नाम है और दो कुर्सियां हैं कितनी कुर्सियां हैं दो कुर्सियां ये दो चेयर रखी हुई है और इन दो चेयर पर तीन दोस्तों को बैठाना है आपके पास तीन दोस्त हैं और तीन दोस्तों को दो चेयर पर बैठाना है तो तीन दोस्तों को आप दो चेयर पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं इससे बोलते हैं अरेंजमेंट क्या बोलते हैं अरेंजमेंट व्यवस्था करना क्या करना व्यवस्था हो सकता है आपने पहली कुर्सी पर ए को बैठाया दूसरी कुर्सी पर बी को बैठाया हो हो सकता है आपने पहली कुर्सी पर ए को बैठाया हो और दूसरी कुर्सी पर बी को बैठाया हो प्यारे साथियों समझ में आ रहा है प्यारे साथियों हो सकता है आपने पहली कुर्सी पर बी को बैठाया हो दूसरी कुर्सी पर ए को बैठाया हो यह भी एक अरेंजमेंट है एक अरेंजमेंट ये वाला हो सकता है एक ये हो सकता है हो सकता है बी और सी बैठे हो ए खड़ा रहा हो।, हो सकता है पहली वाली कुर्सी पर सी बैठा हो दूसरी वाली कुर्सी पर बी बैठा हो ठीक है हो सकता है ए और सी बैठे हो बी खड़ा रहा हो हो सकता है पहले वाली कुर्सी पर सी बैठा हो दूसरे वाली कुर्सी पर ए बैठा हो समझ रहे हो अरे समझ रहे हो ये वाली बात बताओ जल्दी से तो मैं कहने लगू भाई तीन दोस्तों का दो कुर्सियों पर अरेंजमेंट करना है तीन दोस्तों का दो कुर्सियों पर अरेंजमेंट करना है तो टोटल कितने तरीके हुए तो टोटल छह तरीके हुए एक दो तीन चार पांच छ टोटल कितने तरीके छह तरीके टोटल कितने तरीके प्यारे साथियों छह तरीके तीन दोस्तों को दो कुर्सियों पर बैठाना था टोटल तो तरीके ये हो सकते हैं या तो वे ऐसे बैठेंगे या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे कोई एक तरीका होगा उनके बैठने का ठीक है प्यारे साथियों वे किसी भी एक तरीके से बैठ सकते हैं प्यारे साथियों समझ रहे हो सुनो अब जरा ध्यान से सुनो ध्यान से एक सूत्र बता रहे हैं लिख लो इसे नोट कर लो एन पी आर क्या एन पी आर पहले फैक्टोरियल एन का मतलब समझ लो क्या होता है फैक्टोरियल एन ठीक है या इसे ऐसे भी दिखाते हैं इसे ऐसे भी दिखाते हैं या तो ऐसे लिख दो या ऐसे इसका मतलब समझो जैसे फैक्टोरियल चार दे दिया तो इसका मतलब होता है चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक मतलब चार या बारह धोनी चौबीस कितना आ जाएगा चौबीस आ जाएगा मान लो फैक्टोरियल छह आ गया तो आपको छ से लेकर छ पांच अगर आप चाहो तो यहां इसे रोक भी सकते हो फैक्टोरियल चार और चाहो तो पूरा खोल भी सकते हो आपकी मर्जी है समझ रहे हो सभी सभी की समझ में आ रहा है प्यारे साथियों अरे सभी की समझ में आ रहा है वाली बात चलो जल्दी से बताओ फैक्टोरियल पांच की वैल्यू क्या होगी कौन बच्चा बताएगा जल्दी से बताओ फैक्टोरियल पांच की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए कौन बच्चा बता रहा है फैक्टोरियल पांच की वैल्यू क्या होगी और जल्दी से शेयर कर दो सभी दूसरे बच्चों के साथ और जल्दी से सभी दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर दो फैक्टोरियल पांच की वैल्यू कौन बता रहा है फैक्टोरियल पांच की वैल्यू कौन बता रहा है बताइए कौन बच्चा बताएगा फैक्टोरियल पांच की वैल्यू सुन लो प्यारे साथियों अगर आपको फैक्टोरियल पांच की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे पांच चार तीन दो एक पांचों साठ दो एक सौ बीस कितना आ जाएगा एक सौ बीस समझ रहे हो इतनी बात इतनी बातें समझ रहे हो सभी बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से ये वाली बात समझ में आ गई सभी के अब सुन लो अब सुन लो सुन लो सुन लो प्यारे साथियों एक सूत्र होता है एनपीआर क्या होता है एन पी आर इसका मतलब होता है एन एन विभिन्न विभिन्न एन वस्तुओं में से वस्तुओं में से आर वस्तुओं आर वस्तुओं का अरेंजमेंट का अरेंजमेंट सुन लो एन पी आर का फॉर्मूला क्या है वो देख लो ये होता है एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस के आर का फैक्टोरियल क्या होता है एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल जल्दी से बताइए ये समझ में आया तुम्हारी अब सुनो जैसे मुझे तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है तीन में से दो का अरेंजमेंट करना है। कितने का तीन में से दो का अरेंजमेंट करना है तो कैसे करूंगा तीन का फैक्टोरियल ऊपर लिखूंगा बटे तीन माइनस दो का फैक्टोरियल नीचे लिख दूंगा ऊपर आ जाएगा प्यारे साथियों तीन का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा एक का फैक्टोरियल नीचे क्या आ जाएगा एक का फैक्टोरियल प्यारे साथियों नोट कर लेना ये वाली बात ये वाली बात नोट कर लेना एक का फैक्टोरियल का मान भी एक होता है और जीरो का फैक्टोरियल भी क्या होता है एक होता है एक का फैक्टोरियल भी एक होता है और जीरो का फैक्टोरियल भी एक होता है सुनिए जरा ध्यान से सुनिए यह तीन का फैक्टोरियल है ना इसे मैं क्या लिख सकता हूं इसे मैं लिख सकता हूं तीन गुणा दो गुना एक तीन दुनी छ कितना आ जाएगा छ कितना आ जाएगा प्यारे साथियों आ जाएगा समझ रहे हो तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं का अरेंजमेंट तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं का अरेंजमेंट करने के कितने तरीके छह तरीके तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं का अरेंजमेंट करने के कितने तरीके छह तरीके छैं ही तो तरीके थे। देख लो। तीन दोस्तों को दो कुर्सियों पर अरेंज करा था मैंने तीन दोस्तों को दो कुर्सियों पर अरेंज करने के कितने तरीके हुए छह तरीके समझ में आया चलो जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों फाइव पी फोर की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए कौन बच्चा बता रहा है फाइव पी फोर की वैल्यू जल्दी से बताइए फाइव पी फोर की वैल्यू क्या होगी फाइव पी फोर की वैल्यू कौन बच्चा बता रहा है जल्दी से और जल्दी से लाइक करो सभी बच्चे सभी बच्चे जल्दी से लाइक करिएगा बताइए फाइव पी फोर की वैल्यू सुन लो सुन लो क्या बताया था तरीका भूल गए क्या भूल गए क्या मैंने क्या बताया था मैंने ये बताया था ऊपर जो लिख रहा हो उसे लिख दो फैक्टोरियल के अंदर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो और नीचे लिख दो फैक्टोरियल के अंदर पांच का फैक्टोरियल 120 आता है अभी अभी हमने करा था इसका माने एक मतलब 120 कितना आया 120 ध्यान से सुनना बताइए ध्यान से सुनना प्यारे साथियों फाइव पी टू इसका मान बताओ जल्दी से कौन बच्चा बता रहा है फाइव पी टू जल्दी से बताइए इसका मान कौन बच्चा बता रहा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना प्यारे साथियों P, की वैल्यू कौन बच्चा बता रहा है सुन लो क्या बताया था मैंने आपको यह बताया था प्यारे साथियों <coughs> मैंने आपको यह बताया था कि ऊपर वाला जो भी लिख रहा हो उसे फैक्टोरियल में लिख लो अपॉन ऊपर वाला जो भी लिख रहा हो उसे फैक्टोरियल में लिख लो प्यारे साथियों लिख लिया उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद करना है? में यह करना इसमें से इसे घटा लो पांच में से दो घटा लो पांच में से दो घटा के नीचे लिखना है ये फैक्टोरियल में लिखना है मतलब ऊपर पांच का फैक्टोरियल और नीचे तीन का फैक्टोरियल अब सुनो ध्यान से मैं इस पांच के फैक्टोरियल को जहां तक चाहो वहां तक खोल सकते हैं कैसे मैं इसे लिख सकता हूं पांच इंटू चार इंटू अब मैं इसे तीन के फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ रहा हूं नीचे क्या लिख रहा है तीन का फैक्टोरियल खत्म मेरा मन करेगा ना मैं ऐसे चार तक खोल के तीन के फैक्ट्रोल में बाकी छोड़ दूंगा ऐसे पूरा नहीं खोलना तो तीन के फैक्ट्रोल से तीन का फैक्ट्रियल गायब हो गया और पांच चौक कितना आ गया पांच आ गया बीस कितना बीस हाँ चौक कितना आ गया प्यारे साथियों बीस आ गया समझ रहे हो सभी की समझ में आया चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताइए कौन बच्चा बता रहा है जल्दी से नाइन पी थ्री का मान क्या होगा साथियों ये ये तो सभी कर लेते हैं भाई फॉर्मूला लगाया सभी इसका मतलब तो समझते हो ना सुनो जैसे मैंने लिख दिया नाइन पी थ्री तो इसका मतलब ये है नो वस्तुओं में से तीन वस्तुओं का अरेंजमेंट नो अलग अलग वस्तुओं में से तीन अलग अलग वस्तुओं का अरेंजमेंट करना उन्हें अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे बताइए नाइन पी थ्री की वैल्यू क्या होगी बताइए नाइन पी थ्री की वैल्यू क्या होगी जल्दी से जल्दी से बताइए प्यारे साथियों नाइन पी थ्री की वैल्यू क्या होगी <coughs> सुन लो सुन लो सुन लो नाइन पी थ्री का मतलब क्या होगा नाइन का फैक्ट्रल ऊपर और नो में से तीन घटा दो तो मतलब छह का फैक्ट्रल नीचे खोल लो भैया ऐसे नो सुन लो सुन लो सुन लो नो और ये कितना आ जाएगा आठ और ये आ जाएगा सात नो आठ सात और यहां छह का फैक्ट्रल और यहां भी छ का फैक्ट्रल। खत्म नो अठे बहत्तर सत्तीस बहत्तर सत्ते सात दो चौदह और सात सत्ते उनचास पचास मतलब कि पांच सौ चार क्या आ गया पहले साथ ही पांच सौ चार आ गया क्या आ गया पांच सौ चार आ गया सुनो शॉर्टकट बता रहे हैं आप इसका करने का इसे करने का शॉर्टकट आपको बता रहे हैं सुनिए जरा जैसे मैंने लिख दिया नाइन पी फाइव क्या लिख दिया मैंने नाइन पी फाइव लिख दिया क्या लिख दिया प्यारे साथियों लिख दिया और आपको ये करना है अब आपके पास दो तरीके हैं क्या या है तो फॉर्मूला लगा लो फॉर्मूला लगा लो लेकिन मैं कह रहा हूं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है सुन लिया सुनो कैसे क्यों क्यों नहीं है जरूरत सुनो ध्यान से ध्यान से सुन लेना ध्यान से सुन लेना ध्यान से इसमें से इसे घटा लो नो में से पांच को घटा लो नो में से ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लिया करो कितना आ रहा है तीन आ रहा है ना तो नो को बस तीन बार खोलना है नो आठ सात बस काम खत्म नौहत्तर सत्ते नौ अठे बहत्तर सत्य सात दो चौदह सात सौ तिरचा पांच सौ चार समझ में आया समझ में आया सुन लो सुन लो जैसे मैंने लिख दिया आठ आठ पी पांच मैंने लिख दिया आठ पी पांच लिख दिया तो आपको करना क्या है सुन लो सुन लो ध्यान से सुन लो जैसे मैंने आठ पी पांच लिख दिया तो आठ में से पांच को घटा लो बस आठ में से क्या घटा लो आठ में से पांच को घटा लो ठीक है आठ में से क्या घटा लो पांच जैसे सुनो जैसे हमने यहां पर कर रखा था ध्यान से देखो भाई अगर मैंने इसमें घटा लिया एक मिनट जरा थोड़ी सी मिस्टेक होगी प्यारे साथियों थोड़ी सी मिस्टेक होगी सुनो सुनो पिछले सवाल पर चलो एक बार जैसे नाइन पी थ्री लिख रहा था तो आपने इसमें से इसे घटा लिया और इसे तीन ही बार खोल लिया माफ करना कितनी बार खोल लिया तीन बार और इसमें से इसे घटा लिया सुनो अगर यहां नाइन पी थ्री लिख रहा है तो इसका मतलब आप इसे तीन ही बार खोलेंगे कितनी बार खोलेंगे तीन बार थोड़ी सी मिस्टेक हुई प्यारे साथियों माफ करना कितनी बार खोलेंगे प्यारे साथियों तीन बार जैसे नो आठ सात अब सुनो जैसे मैंने लिख दिया नो पी फोर नाइन पी फोर लिख दिया क्या लिख दिया नाइन पी फोर तो इसका मतलब यह है कि आप इसे चार बार ही खोलेंगे कितनी बार खोलेंगे चार बार ही खोलेंगे सुनिए कैसे कैसे खुलेगा नो नो के बाद में आठ आठ के बाद में सात और सात के बाद में छह चार बार खोलेंगे चार बार खोलना है खोलना है माफ करना घटाना नहीं है चार बार खोलना है बस काम खत्म समझ रहे हो ठीक है चलो क्वेश्चन ला रहे हैं। चिंता मत करो क्वेश्चन ला रहे हैं। चलो एक बार इस वाले सवाल का उत्तर देने का प्रयास करना प्यारे साथियों एन का मान याद करना है इसमें इस वाले सवाल का उत्तर देने का प्रयास करना प्यारे साथियों जल्दी से नो माइनस चार बराबर पांच होगा नहीं नहीं सुनो सुनो जैसे ये लिख रखा है नाइन पी थ्री तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इतनी ही बार खोलना है नो को तीन बार खोलना है नौ आठ सात बस काम खत्म इन दोनों की इन सब की गुणा कर लो ठीक है चलो इस वाले सवाल का उत्तर दो जल्दी से सभी सभी बच्चे इस वाले सवाल का उत्तर देंगे जल्दी से एन पी फाइव बराबर बीस एन पी थ्री बताइए जल्दी से हमें दे रखा है एन पी फाइव बराबर बीस एन पी थ्री ये दे रखा है और इसका आंसर बताना है आंसर बताना है प्यारे साथियों एन पी फाइव बराबर बीस एन पी थ्री सुनिए बहुत आसान है बहुत आसान है प्यारे साथियों सुनिए जरा दिमाग लगाइएगा एक बार एक बार दिमाग लगाइएगा प्यारे साथियों प्यारे साथियों जिस जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा सुन लो कैसे करेंगे देख लो ये एन का फैक्टोरियल यहां पांच का फैक्टोरियल और यहां एन माइनस के पांच का फैक्टोरियल बराबर बीस एन का फैक्टोरियल यहां एक सेकंड एन सी आर नहीं है एन माइनस फाइव क्या है एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल यहां एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल उड़ा दो उसके बाद में ये एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल है इसे मैं सोल्व कर सकता हूं प्यारे साथियों ध्यान लगाना ध्यान लगाना कैसे सॉल्व हो सकता है एन माइनस थ्री को मैं बाहर ले सकता हूं एन माइनस थ्री बाहर आया अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा एन माइनस के चार एन माइनस चार को भी बाहर ले लिया अंदर बचेगा एन माइनस के पांच क्या बचेगा एन माइनस के पांच का फैक्टोरियल बचेगा प्यारे साथियों इससे ये वाला उड़ गया अब यहां क्या बचा यहां बचा एन माइनस के थ्री और एन माइनस के चार बराबर क्या हुआ बीस अब एन की वैल्यू पुट करके देख लो इसमें ऑप्शन है जो भी इसे सेटिस्फाई करें ऑप्शन से पुट करो प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा पांच माइनस तीन दो और पांच माइनस एक ये नहीं कर रही आठ माइनस तीन पांच हो गया चार ये वाली कर जाएगी तो एन बराबर क्या आ जाएगा ऑप्शन से पुट करो एन की वैल्यू आठ है ना तो आठ माइनस तीन और आठ माइनस के चार आठ माइनस तीन मतलब पांच आठ माइनस चार मतलब चार पांचों का बीस तो आंसर क्या आ गया बीस आ गया उत्तर क्या आ गया बीस तो एन की वैल्यू क्या है इसमें आठ है ध्यान रखना एन की वैल्यू क्या आ रही है इसमें आठ आ रही है एन की वैल्यू क्या आ रही है आठ आप चाहो तो यहां से दीघात समीकरण बन के भी सोल्व हो सकता है पैर साथियों की वैल्यू क्या है इसमें आठ अरे सभी की समझ में आ गया पैरे साथियों पांचों का बीस एन की वैल्यू आठ आएगी इसमें सभी की समझ में आए बताओ जल्दी से किस किस की -कि समझ में आ गया जल्दी से बता दो भैया किस किस की -कि समझ में आ गया ये? जल्दी से बताओ किस किस की -कि समझ में आ गया कहो तो दोबारा सोल्व करके बता दूंगा बी ऑप्शन सही है इसका क्या है बी ऑप्शन सुन लो सुन लो सुन लो फॉर्मूला याद करो क्या था फॉर्मूला एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल यही तो बताया था यही लगा दो एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस के पांच का फैक्टोरियल बराबर एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल यही तो है फैक्टोरियल से ये उड़ा दो ये एक बटे एन माइनस पांच का फैक्टोरियल इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एन माइनस थ्री को बाहर ले लो अंदर एक कम हो जाएगा एन माइनस चार एन माइनस चार को भी बाहर ले लो अंदर फैक्टोरियल में क्या बचेगा एन माइनस के पांच और यहाँ कितना बचा था यहाँ बीस था एन माइनस पांच का फैक्टोरियल एन माइनस पांच का फैक्टोरियल कट गया इधर कितना बचेगा इधर बचेगा मैं क्रॉस गुणा कर रहा हूं इसकी इधर एन माइनस थ्री और एन माइनस के फोर बराबर कितना आया बीस अब चाहो तो द्विघात समीकरण बना के सोल्व कर लो जिनके बस की ऐसे सोल्व करना नहीं है या तो ऑप्शन से सोल्व कर लो अगर नहीं हो रहा ऑप्शन से तो द्विघात समीकरण बना लो कितना हो गया एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस के सात एन और तीन चौका कितना हो गया बारह हो गया 20 को इधर ले आओ माइनस का सात हो, हो के, लगाना, लगाना। के, के ऐसे टुकड़े जो गुणा आठ आए तो क्या लिख सकता हूं प्यारे साथियों इसे मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर माइनस के आठ एन प्लस का एन माइनस के आठ बराबर जीरो से एन कॉमन ले लो एन माइनस आठ बचेगा यहां से वन कॉमन ले लो एन माइनस आठ बचेगा बराबर जीरो तो हो नहीं सकती तो एन की वैल्यू क्या हुई आठ हुई तो एन की वैल्यू क्या हुई प्यारे साथ ही हो, आठ हुई ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका चलो बताइए इस वाले सवाल का उत्तर जल्दी से प्यारे साथियों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्यारे साथियों आप शेयर कर देना वीडियो को आपकी जहां तक पहुंच है प्यारे साथियों वहां तक इस वीडियो को जितने भी ग्रुप्स पे जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जुड़े हुए हो वहां तक इस वीडियो को कृपया करके प्यारे साथियों पहुंचा देना बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा सात सैनिक कितने प्रकार से एक कतार में खड़े हो सकते हैं सात सैनिक कितने प्रकार से एक कतार में खड़े हो सकते हैं भाई सात सैनिकों का अरेंजमेंट करना है हमें कितने सात सैनिकों का अरेंजमेंट प्यारे साथियों हमें करना है बताइए जल्दी से कितने सैनिकों का अरेंजमेंट करना है सात सैनिकों का ध्यान देना सात सैनिकों का अरेंजमेंट करना है अब आपको दो तरीके हैं दो तरीके हैं या तो आप पहले जो सिंपल आपको तरीका बताया वो वाला तरीका लगा लो या फिर आपको सात सैनिकों में से सात सैनिकों का अरेंजमेंट करना है सेवन पी सेवन सात सैनिकों में से सात सैनिकों का अरेंजमेंट करना है तो इसका उत्तर होता है सेवन पी सेवन क्या होगा सेवन पी सेवन ठीक है बस इसे सोल्व करना सोल्व करने का क्या तरीका है ऊपर यही लिखते हैं नीचे इसमें से इसे घटा कर लिखते हैं सात माइनस के साथ इतने का फैक्टोरियल मतलब सात का फैक्टोरियल ऊपर आएगा और जीरो का फैक्टोरियल नीचे आएगा जीरो का फैक्टोरियल एक होता है उत्तर आ जाएगा सात का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा सात का फैक्टोरियल इसका मतलब होता है सात गुणा छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बस इनकी गुणा करनी है सबकी क्या करनी है प्यारे साथियों इन सब की गुणा करनी है बस और सभी बच्चे बता रहे हैं, गुणा आएगी पांच हजार चालीस गुणा क्या आ जाएगी पांच हजार चालीस आ जाएगी समझ रहे हो सात सैनिकों में से सात सैनिकों का अरेंजमेंट या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हो सात का फैक्टोरियल क्या कह सकते हो सात का फैक्टोरियल डायरेक्ट भी कह सकते हो प्यारे साथियों सात का फैक्टोरियल चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी से इस वाले सवाल का उत्तर बताइएगा प्यारे साथियों एक दो चार पांच सात आठ से तीन अंकों की अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती हैं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है तीन अंकों की इस प्रकार बनी किसी भी संख्या में कोई भी अंक दोहराया नहीं जा सकता प्यारे साथियों ध्यान रखना एक दो चार पांच सात आठ से तीन अंकों की संख्या बनानी है और प्यारे साथियों किसी भी कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हाँ बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और सुबह सात बजे से हमारी क्लास रहती है सी के यादव जी बताइए जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए एक दो चार पांच सात एक सौ बीस आ रहा है प्यारे साथियों सभी का सुनिए सुनिए कितने अंकों की बनानी है तीन अंकों की तो तीन बॉक्स फिल करने हैं एक दो तीन यही तो तरीका बताया था पहले बॉक्स को फिल करने के एक दो तीन चार पाँच छ सात नहीं नहीं ये तो तीन अंक है एक दो तीन चार पाँच छ पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स को पांच और तीसरे बॉक्स को चार यही तरीके छह पंजे तीस चौका एक सौ बीस कितना आ गया प्यारे साथियों सौ बीस आ गया कितना प्यारे साथियों सौ बीस आया कितना आया एक सौ बीस हाँ कल क्लास होगी ध्यान रखना सुनो ये तो सिंपल तरीका है आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो तीन अंकों का अरेंजमेंट करना है कितने में से एक दो तीन चार पांच छ छ अंकों में से तीन अंकों का अरेंजमेंट करना है अरे दूसरा तरीका तो पूछ लो दूसरा तरीका तो पूछ लो तीसरा भी पूछ लो यार तुम पूछते ही नहीं हो जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है जब मैं तो तुम्हें कई सारे तरीके के बताने के लिए तैयार बैठा हूं पर तुम पूछते हो देख लो सिक्स पी थ्री सिक्स पी थ्री सुनो ध्यान से इसे सोल्व करो छह का फैक्टोरियल और छ में से तीन गया तीन का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा ठीक है ये हो जाएगा छ पांच चार यहां तीन का फैक्टर यहां भी तीन का फैक्ट्रल कट जाएगा एक सौ बीस आ जाएगा उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन तो नंबर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों समझ रहे हो अरे ये वाला तरीका आ गया समझ में मैंने दोनों तरीके से बता दिया तुम्हें ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और ये है अरेंजमेंट जिसे कहते हैं परमोटेशन परमुटेशन इज अरे में अरेंजमेंट ठीक है परमुटेशन क्या है एक अरेंजमेंट है समझ में आ गया प्यारे साथियों चलो जरा अगले सवाल पर इस वाले सवाल का आंसर बताइए देखते हैं कौन बच्चा इस वाले सवाल का आंसर बता पाता है कह रहा दस हजार से छोटी संख्याएं बनानी है अगर तुम्हारी बुद्धि में जान है और दम है तुम्हारी बुद्धि में तो बुद्धि लगाइए और ये कह रहा है कि दस हजार से छोटी संख्या बनानी है किस किस का यूज करना है तीन का पांच सात आठ नौ इनका यूज करना है और दस हजार से छोटी संख्या बनानी है और ध्यान रखना संख्याएं सम भी होनी चाहिए संख्याएं कैसी होनी चाहिए संख्याएं होनी चाहिए, भी होनी, होनी चाहिए इवन नंबर भी होने चाहिए लगाइए बुद्धि की अपनी पूरी जान और बताइए इसका आंसर बताइए प्यारे साथियों तीन पांच दस हजार से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कोई भी अंक दोहराना नहीं है ध्यान रखना कोई भी अंक दोहराना नहीं है प्यारे साथियों और सम संख्या बनानी है जल्दी से बताइए प्यारे साथियों बस बस हो गया आपका खत्म गया टाटा बाय बाय सुनिए जरा ध्यान से हम बता रहे हैं सुनिए किस से बनानी है दस हजार से किस से छोटी बनानी है दस हजार से छोटी बनानी है दस हजार से छोटी बनाने का मतलब यह है कि संख्या चार अंकों तक हो सकती है क्योंकि यदि संख्या पांच अंकों पे गई तो वो दस हजार से बड़ी बन जाएगी ये पक्की सी बात है भाई मुझे संख्या जो है ना दस हजार से छोटी बनानी है अगर मुझे संख्या खुद देखो ना खुद देखो ना एक दो तीन चार दस हजार है ना इसमें पांच अंक है ना फाइव डिजिट है ना कितनी डिजिट है फाइव डिजिट है कितनी फाइव डिजिट अगर प्यारे साथियों मैंने संख्या पांच अंकों की बना दी तो वो संख्या दस हजार से बड़ी बन जाएगी पक्की सी बात है क्योंकि जीरो के अलावा भी तो और नंबर है ना तो मुझे चार अंकों तक संख्या बनानी है और ध्यान रखना संख्या सम भी होनी चाहिए समझ रहे हो अब देख लो अब देख लो अब देख लो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं सुन लो सबसे पहले एक अंक वाली संख्या की बात करते हैं भाई एक अंक वाली भी तो दस हजार से छोटी होगी एक अंक वाली भी तो दस हजार से छोटी होगी ना सबसे पहले एक अंक वाली संख्या की बात करते हैं एक अंक में कौन सी संख्या ऐसी है जो इन डिजिट का उपयोग करके सम संख्या बनेगी और दस हजार से तो छोटी होगी क्योंकि एक अंक की है तो प्यारे बच्चों प्यारे साथियों एक अंक की संख्या क्या हो सकती है जो सम भी हो ध्यान रखना सम तो प्यारे साथियों एक अंक की संख्या बनाने के लिए आप केवल इस वाले खाने में आठ भर सकते हो मतलब एक ही संख्या ऐसी होगी एक अंक की जो दस हजार से छोटी होगी और सम भी होगी ठीक है तो केवल एक संख्या प्यारे साथियों अब मैं दो अंकों वाली संख्या की बात करता हूं कितने की दो अंकों वाली संख्या की बात करता हूं दिमाग लगाना यह एक अंक वाली संख्या की बात चल रही थी अब मैं दो अंकों वाली संख्या की बात करता हूं दो अंकों में ऐसी संख्या कितनी हो सकती है जो सम भी हो जो सम भी हो और दस हजार से छोटी तो होनी है क्योंकि दो अंकों की है सुनो भाई अगर मुझे सम संख्या बनानी है तो मेरी मजबूरी है लास्ट वाले खाने में लास्ट वाले खाने में मुझे आठ ही फिल करना पड़ेगा आठ के अलावा अगर कुछ और फिल करूंगा तो सम नहीं बन पाएगी तो लास्ट वाले खाने को भरने का एक तरीका है बस मेरे पास एक ही तरीका है लास्ट वाले खाने को भरने का लेकिन इस वाले खाने को भरने के तो बहुत सारे तरीके हैं कितने भाई आठ तो यहां हो गया एक दो तीन चार चार तरीके हैं मेरे पास कितने तरीके हैं चार तरीके है। इस वाले खाने को फिल करने के तो चार तरीके हैं ना तो टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं चार संख्याएं एक संख्या यहां से आई चार संख्याएं दो अंकों की आई प्यारे साथी कितनी दो अंकों की पेशेंस रखना पेशेंस रखना थोड़ा सा अगर चीजों को समझना है अगर हवा हवाई चलना है तो फिर दो अंक दो अब तीन अंकों की बात करते हैं प्यारे साथी कितने अंकों की तीन अंकों की भी तो संख्याएं भैया तीन अंकों की भी तो संख्याएं होंगी जो दस हजार से छोटी होंगी तीन अंकों की सारी संख्याएं दस हजार से छोटी होती हैं और सम संख्या बनानी है बना दो एक दो तीन तीन अंकों की भी तो संख्याएं दस हजार से छोटी होंगी ना सुन लो सुन लो अगर मुझे दस हजार से छोटी बनानी है और सम भी बनानी है तो लीस वाले में तो आठ ही भर जाएगा और कोई तरीका नहीं है सम संख्या बनानी है इसे फिल करने का एक तरीका अब यहां तो चार में से कोई सा भी भर दो और इसे फिल करने के कितने तरीके तीन तरीके तो चार बारह तो कितने हुए प्यारे साथियों तीन अंकों की बारह संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होगी और इनका उपयोग करके बनाई गई होगी और दस हजार से छोटी होगी समझ रहे हो समझ रहे हो अब प्यारे साथियों तीन अंकों की बात चल गई अब कितने अंकों की चार अंकों की, अंको की, की चार अंकों की प्यारे साथियों कितने की चार अंकों की बुद्धि लगाना थोड़ी सी बुद्धि लगाना नहीं तो फिर मैं वही आसान वाले सवाल करवा दूंगा वो तुमने रेटी रखे होंगे चार चार अंकों की सुन लो सुन लो ध्यान से सुन लो सार यादव इकतालीस इकतालीस पे मार रहे हैं बार बार राइट सुन लो ध्यान से चार अंकों की भी तो भैया दस हजार से छोटी होगी और मुझे सम बनानी है तो लास्ट वाले खाने को भरने का बस एक ही तरीका है आठ आठ भरूंगा तो ही सम आएगी आठ भरूंगा तो ही सम आएगी प्यारे साथ ही हो तो आठ से कितना आ गया एक तरीका लास्ट वाले खाने को फिल करने का एक तरीका लास्ट वाले खाने को फिल करने का एक तरीका अब इसे फिल करो इसे या तो चार भर दो या तीन तरीके से और इसे दो तरीके फिल करने के यही तो है चार तीन दो चार या बारह दूनी चौबीस कितना हो गया प्यारे साथियों चौबीस चौबीस संख्याएं ऐसी होंगी चार अंकों की जो कि दस आर से तो छोटी होनी है क्योंकि चार अंकों की है अब इन सबको जोड़ लो प्यारे साथियों क्या कर लो जोड़ लो एक संख्या यहाँ थी बारह यहां, यहां चौबीस यहां प्यारे साथियों कुल संख्या कितनी बैठेंगी कुल संख्याएं कुल संख्याएं कितनी बैठेंगी जो दस हजार से छोटी होंगी और इन वाले अंकों का प्रयोग करके बनाई गई होंगी। वो संख्याएं होंगी प्यारे साथियों चौबीस बारह चार और एक जो छत्तीस हजार चार चालीस और एक इकतालीस यानी कि प्यारे साथियों इकतालीस संख्या ऐसी होगी जो इन अंकों का प्रयोग करके बनाई गई होगी सम होगी और दस हजार से छोटी होगी और दस हजार से छोटी होगी तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों इकतालीस होगा इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियोंतालीस होगा समझ में आ गया ये तुम्हारे जल्दी बताओ समझ में आ गया ये तुम्हारे जिस जिस बच्चे ने भी अभी तक लाइक नहीं करा वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसे सवाल आपको यहां देखने को मिलेंगे जो अब तक तुम्हारी नजरों से नहीं आए होंगे समझ में आया सभी के ये बात सभी के समझ में आ गई प्यारे साथियों बताइए जल्दी से चलो से चार हजार से अधिक विभिन्न अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं बताइए कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा दम है तो आइए मैदान में पेशेंस रखने का दम है तो बनिए हमारे साथ अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो बनिए जरा हमारे साथ बताएंगे प्यारे साथियों दम है तो आइए मैदान में और यदि आपको वे आसान वाले सवाल करने हैं मैं वे भी दे दूंगा आपको आसान वाले सवाल जीरो एक दो तीन चार पाँच से कितने तीन अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं फटाफट आप गुना करके बता देंगे इतनी बन सकती है ये वाला बताइए बताइए जल्दी से और प्यारे साथियों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और भैया लाइक भी कर देना वीडियो को शेयर करना प्यारे साथियों बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी कर देना मेरे प्यारे साथियों चार हजार से बड़ी बनानी है प्यारे साथियों क्या बनानी है चार हजार से बड़ी प्यारे साथियों एक बात जरा दिमाग लगाइए अगर वो चार हजार से बड़ी है तो कम से कम चार अंकों की तो रही होगी भाई अगर कोई संख्या चार हजार से बड़ी हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो तीन अंकों में हो जाए कम से कम चार अंकों में तो उसे बनना ही पड़ेगा नहीं तो वो संख्या चार हजार से छोटी हो जाएगी ठीक है नहीं तो वो संख्या चार हजार से छोटी हो जाएगी बहुत बढ़िया स्टार यादव गजब बढ़िया सही आंसर है स्टार यादव का वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो सुनो ध्यान से सुनो सुनो ध्यान से इन अंकों का प्रयोग करना चार हजार से बड़ी संख्या बनानी है तो पहले तो चार अंकों की देख लो एक दो तीन चार अब ध्यान से सुनना जरा एक बात कह रहा चार हजार से बड़ी होनी चाहिए अगर चार हजार से बड़ी है तो पहले वाले बॉक्स को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं तो पहले वाले बॉक्स में या तो मैं पांच भरूंगा या सात भरूंगा या आठ भरूंगा तुम कहोगे जीरो क्यों नहीं भर रहे दो क्यों नहीं भर रहे अगर जीरो भर दिया तो तीन अंक रह जाएंगे संख्या में अगर दो भर दिया तो संख्या चार हजार से छोटी अपने आप ही हो जाएगी अगर तुम यहां दो भरोगे उसके बाद में चाहे जो भर लो तो संख्या चार हजार से छोटी बन जाएगी संख्या बनानी है मुझे चार हजार से बड़ी तो ना तो मैं जीरो ले सकता पहले बॉक्स में ना दो ले सकता पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए तीन तरीके पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए तीन तरीके ये पांच अंक मेरे पास थे इनमें से कोई एक अंक मैंने यहां खर्च कर दिया अब मेरे पास कितने अंक बचे प्यारे साथियों मेरे पास अब बचे चार अंक कितने अंक बचे चार दो अंक खर्च हो गए तीन फिर कितने बचे दो तीन जो बारह या छत्तीस धोनी बहत्तर मतलब चार अंकों की बहत्तर संख्या ऐसी होगी जो इन अंकों का प्रयोग करके बनाई गई होगी और चार हजार से बड़ी होगी प्यारे साथियों हो, इन अंकों से मैं पांच अंकों की संख्या भी तो बना सकता हूं इन अंकों से मैं पांच अंकों की संख्या भी तो बना सकता हूं प्यारे साथियों दिमाग लगाओ अगर मुझे पांच अंकों की संख्या बनानी है तो मेरे प्यारे साथियों इसमें मैं जीरो फिल नहीं कर सकता जीरो फिल करूंगा तो चार अंकों की बन जाएगी चार अंकों की तो पहले निकाल ली मैंने तो मुझे इसमें इसमें से चार में से कोई सा भी एक फिल कर दूंगा और यहां भी आप कोई एक खर्च हो गया पांच में से कोई एक खर्च हुआ यहाँ जीरो भी आ सकता है तो चार ठीक है और यहाँ तीन यहाँ दो चार चौक तीन अड़तालीस दूनी छाण में और यहाँ एक कितना आ जाएगा छाण कितना आ जाएगा प्यारे साथियों छाण में आ जाएगा बस इन दोनों को जोड़ देना है बहत्तर और छानवे को यदि आप जोड़ दोगे बहत्तर और छानवे को यदि आप जोड़ दोगे तो उत्तर आ जाएगा एक क्या आ जाएगा वन क्या आ जाएगा प्यारे साथियों 168 आ जाएगा जल्दी से जल्दी शेयर कर दो जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता हो यह सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा प्यारे साथियों क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम चलो इस वाले सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से रेनबो शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है रेनबो शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जल्दी से बताइए प्यारे साथियों इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे तो उन्हें करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहे हैं सुनिए एक दो तीन चार पांच छ सात कितने हुए सात हुए ना सात हो गए ना प्यारे साथियों बस सात का फैक्टोरियल कर दो क्या कर दो सात का फैक्टोरियल अब आपको यह देखना क्या इनमें कोई रिपीट पे जा रहा है आर नहीं ए नहीं जा रहा ओ ए आई भी नहीं जा रहा एन बी डो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो सात के फैक्टोरियल का मान निकाल दो बस सात के फैक्टोरियल का मान निकाल दो बस सात के फैक्टोरियल का मान निकाल दो प्यारे साथियों सात का फैक्टोरियल बताओ जल्दी से क्या आता है शायद पांच हजार चालीस आ रहा था क्या आ रहा था पांच हजार चालीस सात का फैक्टोरियल मतलब सात छ पांच चार तीन दो एक ये तो होगा सात का फैक्टोरियल ठीक है चलो इतनी बात समझ में आई प्यारे साथियों इतनी बात समझ में आ गई सभी के चलो क्या कह रहा उपरोक्त प्रश्न में मतलब रेनबो में आर से शुरू होने वाले कितने हैं रेनबो जो शब्द है इसमें कितने ऐसे शब्द होंगे इसके लेटर से बनने वाले कितने ऐसे शब्द होंगे जो आर से फिक्स होंगे जिनकी शुरुआत आर से होगी जिनकी शुरुआत किससे होगी आर से होगी बस ये कितने बचे प्यारे साथी ही हो अब ये छह लेटर बचे क्योंकि आर तो फिक्स हो गया वो छह फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं और छह का फैक्टोरियल क्या होता है सात सौ बीस सात सौ बीस तो इसका उत्तर क्या होगा ए होगा चलो थोड़ा सा अब कॉम्बिनेशन पर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं नोट करना जरा एन सी आर एन सी आर एन में से आर वस्तुओं का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों साथियोंक्शन करना ठीक है सेलेक्शन करना एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन बटे आर का फैक्टोरियल फैक्टोरियल का N -R का factorial. ये होता है एनसीआर फॉर्मूला जैसे कि मैंने कहा भाई तुम मुझे सेवन सी टू का मान बताओ जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चा बता रहा है इस वाले फॉर्मूला का यूज करके सेवन सी टू का मान बताओ जल्दी से सेवन सी टू का मान बताइए जल्दी से इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है आपको और सेवन सी टू का मान बताना है बताइए सेवन सी टू का मान क्या होगा कैसे ज्ञात करोगे सेवन सी टू का मान देख लो देख लो ऐसे करोगे ना सात का फैक्टोरियल बटे नीचे जो लिख रहा है उसका फैक्टोरियल और नीचे सात माइनस के दो का फैक्टोरियल ऐसे तो करोगे ये ऊपर सात का फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे दो का फैक्टोरियल और यहाँ पांच का फैक्टोरियल यहाँ क्या प्यारे साथियों पांच का फैक्टोरियल सात के फैक्टोरियल को खोल लो ये आया सात छह यहाँ क्या बचेगा पांच बचेगा यहाँ क्या आ रहा है प्यारे साथियों इंटू एक और यहाँ पांच का फैक्टोरियल इससे ये उड़ा दो छतिया कितना हो गया इक्कीस हो गया कितना आया प्यारे 21 आ गया हां सही जवाब है कितना आ रहा है इक्कीस कितना आ रहा है इक्कीस आ रहा है सुनो जरा ध्यान से सुनो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मुझे फाइव सी फोर की वैल्यू बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ कौन बच्चा बता रहा है फाइव सी फोर की वैल्यू फाइव सी फोर नोट कर लेना दिमाग में प्यारे साथियों 5c4 फाइव सी फोर की वैल्यू वही होगी जो फाइव सी फाइव माइनस फोर की होगी मतलब फाइव सी वन और फाइव सी फोर ए की होगा ये नोट कर लो ये नोट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर के होगा मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिख रहा है सो सी निन्यानवे तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो सो सी सो माइनस के निन्यानवे मतलब सो सी वन भी लिख सकते हो हंड्रेड सी वन भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो हंड्रेड सी वन भी लिख सकते हो प्यारे साथियों समझ रहे हो सुनो सुनो जैसे मैंने कहा भाई मुझे फाइव सी फोर की वैल्यू चाहिए फाइव सी फोर की वैल्यू तो तुम इसे फाइव सी वन करके भी निकाल सकते हो क्या करके निकाल सकते हो फाइव सी वन करके भी ज्ञात कर सकते हो समझ रहे हो अब सुनो जरा ध्यान से सुनो एक बात बता रहा हूं सुन लो शॉर्टकट बता रहा हूं सुनो जैसे फाइव सी टू दे रखा है क्या दे रखा है फाइव सी टू तो इसे आप शॉर्टकट में सोल्व कर सकते हैं कैसे पांच को दो बार खोलना है पांच को दो बार खोलना है पांच को, को दो बार खोलेंगे तो पांच इंटू चार आ जाएगा और नीचे दो को ही खोलना है नीचे दो कैसे खुलेगा दो इंटू एक आ जाएगा फोर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है पाँच को दो बार खोलना है पांच इंटू चार और नीचे दो को खोलना है दो इंटू एक दो चार, पाँच दस, कितना आया? पाँच दस, समझ रहे हो सभी अरे सभी की समझ में आ गया सुनो जैसे मैंने कहा भाई मुझे सेवन सी थ्री की वैल्यू बताओ तो बताओ जल्दी से सेवन सी थ्री की वैल्यू क्या होगी सेवन सी थ्री की वैल्यू बताओ जल्दी से सभी जिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा वो सबसे पहले लाइक करो और जो शॉर्टकट बताया वो उसे समझ लो सेवन सी थ्री की वैल्यू कौन कौन बच्चा बता रहा है 7C3, इसका मतलब ये हुआ कि सात को तीन बार खोलना है सात को तीन बार कैसे खोलेंगे पहले सात लिखेंगे तीन बार खोलना है सात छ पांच और नीचे तीन को ही खोलना है तीन को कैसे खोलेंगे तीन दो एक ठीक है तीन दोनी छह से छह सात पंजे पैंतीस आ गया क्या आ गया उत्तर पैंतीस थर्टी फाइव हाँ बिल्कुल सही जवाब है अंजलि थर्टी फाइव सुनो 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 फाइव सी फोर दे दिया मैंने तुम्हें तो बुद्धि लगानी है दिमाग लगाना है फाइव सी फोर को मैं क्या लिख सकता हूं फाइव सी वन लिख सकता हूं अभी तो बताया था कि इसमें से इसे घटा के यहां लिखा जा सकता है तो फाइव सी वन लिख सकता हूं इसका मतलब पांच को बस एक ही बार खोलना है तो पांच को एक ही बार खोलेंगे तो पांच ही आएगा नीचे एक को खोलना एक ही आएगा तो पांच आ जाएगा उत्तर हम्म समझ रहे हो भैया सभी समझ रहे हो सभी यह बात सभी की समझ में आ गई एन सी आर का मतलब क्या है एन में से आर का चयन एन में से आर का चयन आपसे एक बात मैं पूछता हूं एक सिंपल सा छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं आपके पास तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी आपके पास तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी दो व्यक्तियों की टीम बनानी है दो व्यक्तियों की टीम बनाने के कितने तरीके होंगे कितने तरीके होंगे जल्दी से बताइए कितने व्यक्ति हैं तीन व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों की टीम बनानी है तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की टीम बनानी है कितने तरीके होंगे आप कहोगे जी मुझे तीन में से दो का सिलेक्शन करना है तीन में से दो का चयन करना है तो थ्री सी टू की वैल्यू निकाल दूंगा चाहे थ्री सी टू कह लो चाहे थ्री सी वन कह लो अभी तो बताया था थ्री सी थ्री माइनस टू ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऊपर में से नीचे घटा के मतलब थ्री सी वन मतलब कि तीन को एक बार खोलना है तीन को एक बार खोलने का मतलब आ जाएगा तीन तीन को एक बार खोलने का मतलब क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा समझ में आया समझ में आया तो टीम बनाने के कितने तरीके होंगे तीन अगला सवाल एक एक पार्टी में एक पार्टी में दस लोग थे सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया बताइए कुल कितनी बार हाथ मिले बताइए कुल कितनी बार हाथ मिले प्यारे साथियों यदि हाथ मिलाएंगे तो दो लोग चाहिए होंगे हाथ मिलाने के लिए एक दो हाथ दब दो लोग तो मिलेंगे तभी तो हाथ मिलेगा प्यारे साथियों यानी कि आपको तो दस में से दो का सिलेक्शन करना है दस में से कितने का सिलेक्शन करना है दस में से आपको दो का सिलेक्शन करना है प्यारे साथियों यदि आपको हाथ मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दस में से दो व्यक्ति आपको चाहिए होंगे तो दस में से दो व्यक्ति छाटने के तरीके कितने हैं टेन सी टू कितने तरीके हैं टेन सी टू कितने तरीके हैं प्यारे साथियों बस दस को दो बार खोल लो दस नो और नीचे दो एक मतलब नो पंजे 45 कितना प्यारे साथियों 45 हैंड से एक होंगे कितने हैंड से एक होंगे 45 फोर्टी फाइव एक नोट और कर लो प्यारे साथियों एक नोट और कर लो एक नोट और लिख लो एन सी एक्स बराबर एन सी वाई के हो तब तब एन बराबर होता है एक्स प्लस वाई तब एन बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, एन बराबर होता है एक्स प्लस वाई यदि एन सी एक्स बराबर एन एक सी वाई के हो तो एन बराबर एक्स प्लस वाई होता जैसे कि मैं कह दूं जैसे कि मैं कह दूं तुम्हारे से जैसे कि मैं तुम्हारे से कह दूं एन सी आठ बराबर एन सी सात के है एन सी आठ बराबर एन सी सात के है. तो एन बराबर क्या हो जाएगा एट प्लस सेवन मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा पंद्रह ठीक है? है चलो इस वाले सवाल का उत्तर दो जल्दी से जल्दी से इसका उत्तर दो हाँ पैंतालीस होगा सही जवाब है जल्दी से इस वाले सवाल का उत्तर दो सभी बच्चे और लाइक करो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा एन सी वन बराबर एन सी एट तो एन की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए सभी बच्चे एन सी वन बराबर एन सी एट तो एन की वैल्यू क्या होगी अभी तो आपको पता है जब भी एन सी एक्स बराबर एन सी वाई के हो तो एन बराबर होता है एक्स प्लस वाई जब भी एन सी एक्स बराबर एन सी वाई के हो तो एन बराबर होता है एक्स प्लस वाई क्या होता है एन बराबर एक्स प्लस वाई होता है तो प्यारे साथियों से क्या हो जाएगा यहां से एन बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस एट मतलब एन बराबर कितना हुआ हुआ ठीक है ऑप्शन मैंने दे रखा गलत ऑप्शन है एन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों नो हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा नो एन सी एक्स बराबर एन सी वाई तो एन बराबर हो जाएगा नो समझ रहे हो एन बराबर क्या हो जाएगा नो हाँ बिल्कुल सही जवाब चलो इस वाले सवाल का उत्तर दो जल्दी से यदि एन सी एट बराबर एन सी टू तो आपको एन सी टू की वैल्यू बतानी है यदि एन सी एट बराबर एन सी टू तो आपको एन सी टू की वैल्यू बतानी है और जिन जिन बच्चों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे प्यारे साथियों जिन जिन बच्चों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे एन सी एट बराबर एन सी टू तो आपको NC2 टू की वैल्यू बतानी कॉपी पेन लेके बैठेंगे सभी बच्चे हाँ सही जवाब है पैतालीस हाँ सही है पैंतालीस ही होगा देख लो पहले तो एन की वैल्यू निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एट प्लस टू मतलब कि एन की वैल्यू आ गई टेन अरे अभी तो बताया था तो टेन सी टू की वैल्यू निकालनी है मतलब दस को दो बार खोलना है तो दस को दो बार कैसे खोल देगी दस नो और फिर दो को नीचे खोलना दो को खोलने का तरीका दो गुना एक नौ पंजे पैंतालीस कितना आया प्यारे साथ ही हो इसका उत्तर पैतालीस आया ये सभी गलत ऑप्शन है आगे पीछे कर रखे हैं सारे वो पिछले वाले का ऑप्शन था और ये वाले का ऑप्शन यहाँ दे दिया रखे पैंतालीस कितना आ जाएगा प्यारे साथियों पैंतालीस चलिए बताइए इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा एक व्रत पर इक्कीस बिंदुओं से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है प्यारे साथियों क्या आपको क्या आपको प्यारे साथियों जीवा के बारे में पता है देखिए जैसे ये व्रत है और इस पर कोई दो बिंदु है ये व्रत पर कोई दो बिंदु है यदि व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मैं मिलाती हुई रेखा खेच दू यदि व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती हुई कोई रेखा में खेच दो तो प्यारे साथियों एक जीवा बन जाती है प्रश्न दिया गया है कि एक व्रत की परिधि पर 21 बिंदु स्थित हैं एक व्रत है उसकी परिधि पर ऐसे 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 21 बिंदु हैं तो आपको यह बताना है कितनी जीवाएं बन सकती हैं 21 बिंदुओं से आपको यह बताना है कि कितनी जीवाएं बन सकती हैं। 21 बिंदुओं से ये बताना है प्यारे साथियों जीवा बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी प्यारे साथियों प्यारे बच्चों जीवा बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी दो बिंदुओं की मतलब 21 में से दो बिंदुओं का सिलेक्शन करना है मतलब कि 21 में से दो बिंदुओं का सिलेक्शन करना है मतलब 21 भाई दो तो बिंदु मिलेंगे तभी तो एक जीवा बनेगी ना तो इक्कीस में से दो बिंदुओं का सिलेक्शन करना कैसे होगा इक्कीस में से दो बिंदुओं का सिलेक्शन इक्कीस सीटू खोल दो इक्कीस को इक्कीस फिर बीस और नीचे दो को खोल दो, दो गुना एक दो धाई दस इक्कीस धाम दो दस उत्तर कितना है प्यारे साथियों सो दस आया ऑप्शन नंबर ए आया ठीक है आगे सभी की समझ में चलो बताओ पांच लड़कों और चार लड़कियों में से तीन लड़कों और तीन लड़कियों की टीम बनानी है मेरे पास पांच बॉयज हैं और चार गर्ल्स हैं। मेरे पास पांच बॉयज हैं और फोर गर्ल्स हैं उसमें से मुझे एक टीम बनानी है जिसमें मुझे तीन बॉयज रखने तीन बॉयज रखने और तीन गर्ल्स रखनी तीन बॉयज रखने तीन गर्ल्स है बताओ कितने तरीके होंगे टीम बनाने के बताओ कितने तरीके होंगे टीम बनाने के प्यारे साथियों जिन जिन बच्चों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे जहां तक हो सके वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे सुन लो सुन लो सुन लो पांच बॉयज में से तीन बॉयज फाइव सी थ्री पांच बॉयज में से तीन बॉयज का सिलेक्शन करने के तरीके फाइव सी थ्री बॉयज का भी करना एंड गर्ल्स का भी करना एंड आ गया ना बीच में दोनों का सिलेक्शन करना है चार गर्ल्स में से तीन गर्ल्स का सिलेक्शन सोल कर लो सोल कर लो फाइव सी थ्री को तीन बार खोल लो वैसे फाइव सी टू भी लिख सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं बट पांच चार तीन नीचे तीन को खोल दो तीन दो एक ठीक है चार को तीन बार खोल लो वैसे फोर सी थ्री का मतलब फोर सी वन होता है मैंने बता रखा है फोर सी वन तो चार को एक बार खोल लो मतलब चार ही आएगा सोल कर लो ये खत्म हो गया दो नहीं चार पाँच चौक बीस चौक अस्सी कितना है प्यारे साथियों अस्सी तो ऑप्शन में भी नजदीक है फाइव सी थ्री पांच सी तीन पांच चार तीन तीन दो एक पांच धोनी दस हो गया ना और दस चौक चालीस हाँ चालीस आ जाएगा कितना जाएगा? 40. 40 आ जाएगा चालीस मल्टीप्लाई मिस्टेक होगी प्यारे साथियों चालीस आ जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए हम्म चालीस सही जवाब है इसका अंजलि आरव का जवाब सही है चालीस चालीस जवाब सही है इसका फोर्टी चलो इस वाले का सब आंसर दो जल्दी से प्यारे साथियों जिस जे जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा और जो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो तो जितना जल्दी हो सकता हो मुझे हर एक रंग की तीन तीन गेंद चाहिए प्यारे साथियों और मेरे पास मेरे पास छ रेड कलर की बोल है छ जो है वो रेड कलर की बोल है प्यारे साथियों सिक्स रेड कलर की बोल है मेरे पास ठीक है और फाइव जो है वो वाइट है पांच सफेद बोल है और पांच नीली बोल है पांच ब्लू बोल है और मुझे इस वाले रंग की भी तीन चाहिए इस वाले रंग की भी तीन चाहिए इस वाले रंग की भी तीन चाहिए टोटल नो बॉल चाहिए बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा इसका जल्दी से बताइए और जिस जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा प्यारे साथियों सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को छ में से तीन का सिलेक्शन सिक्स सी थ्री पांच में से तीन का सिलेक्शन फाइव सी थ्री पांच में से तीन का सिलेक्शन फाइव सी थ्री प्यारे साथियों इसे सोल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा ठीक है सोल्व करिए जरा सिक्स सी थ्री छह को तीन बार खोल दो छ पाँच चार तीन को खोल दो तीन दो एक फाइव सी थ्री मतलब फाइव सी टू भी कह सकते हैं पांच को दो बार खोल दो भैया और यहाँ भी पांच इंटू चार दो इंटू एक ठीक है दो दूनी चार खत्म हो गया तीन दूनी छह पाँच बीस पांच बीस, बीस 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 चार सौ चार सौ पंजे दो हजार इतना हो जाएगा प्यारे साथियों दो हजार कितना आ जाएगा इसका उत्तर दो हजार हां सही है अंजलि दो हजार आ जाएगा ये कार्ड वाले सवाल तुम्हें अगले हफ्ते कराएंगे प्यारे साथियों ये रहा सवाल जरा इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए प्यारे साथियों और इस वाले सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है प्यारे साथियों आज की क्लास को हम यही अंत अंत विराम देते हैं यही इसका विराम करते हैं प्यारे साथियों और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी क्या कुछ समझ में आया प्यारे साथियों ठीक है और इस वाले सवाल का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है प्यारे साथियों आप हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े रहे इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया ठीक है प्यारे साथियों मिलते हैं अगले हफ्ते पूरा नहीं हुआ ये अभी अभी ये पूरा नहीं हुआ मिलते हैं अगले हफ्ते इंतजार करिएगा कॉन्सेप्ट सीखते रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों सभी को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम